मार्केटिंग भविष्य देवी सिंह और माखन लाल भाई और कमिटी मेंबर मोहन सभी कमिटी भाई लाइव स्कोरर संत भाई प्रदीप भाई ब्लॉग डॉट कॉम ऑफलाइन स्कोरर महेश भाई और अजय मैं सभी इस भाइयों को मेरे तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सभी को एक बार निश्चित तौर पर जगन्नाथ भगवान सुखी रखे शांत रखे ये मेरा दुआ है। मागल टीम का सभी खिलाड़ी बंदोबस्त की गुजारिश है फील्ड सजावट के लिए जल्द से जल्द मैदान में उतर जाए। बागड़ी विंडो टॉस इलेक्ट्रेटेबल फास्ट स्पेशल थैंक्स टू प्रेसिडेंट बंजू भाई वाइस प्रेसिडेंट धनराज एंड केसीएस सुंदराम भाई टीम मैनेजमेंट महेश भाई मार्केटिंग देवी सिंह भाई एंड माखन लाल और कमिटी मेंबर मोहन लाइव स्कोरर संत भाई ऑफलाइन स्कोरर महेश भाई और अजय धन्यवाद दोस्तों। प्रिय दर्शक बंधु यही तो और समय अपेक्षा आप हमारे टिक्के अपेक्षा ग्रंथो आज सुपर हिट बनाम सुपर हिट मध्य खराब आप हमारे टिक्के ध्वज भरतु बाजे जा स्तर दसी परंतु वस्त्र एकादश बनाम मागड़ी सिंह जी बतवार बारह बारह ओवर का खेल है इनके बारह बारह ओवर में खड़ा वर्तमान टॉस करीबे सॉरी टॉस विन नहीं की प्रथम बोलिंग करीब आप निष्पत्ति छत्तीसगढ़ माकड़ी बोलिंग करीब आप आमंत्रित वस्त्र एकादश को दर्शक बंधु यही तो किसी समय अपेक्षा दर्शक बंधु कमेंट्री किसी भूल बसत हुए भूल भटका हुए तारे निश्चित भाव माने आपण मान कर छोटो भाई बोले निश्चित भाव क्षमा देवे दर्शक बंधु मु तो जड़े छोट कमेंटेटर भूल भी हो पड़े मतलब देशिया भाषा ने बोलू गेले बिना आला तो जी भाई बोलू मैंने फिसलू गला चार गोड़े तो फिसलू आए बोले मैंने दुई गोड़े तो फिसल तो जोर लागे से बात हुआ उसने टाइप कमेंट्री में गला भूल हो गए फिसलू गलाए जो तो भूल हो बोले क्षमा दिया से हरका है तो धन्यवाद देवी जय माँ दुर्गा स्टेडियम को निश्चित भाव रे मो निज को धन्य मन कर जगह कमेंट्री भार पुणी थे मत सुजोग मिल थी निश्चित भाव रे कोटि कोटि प्रणाम यही मोहन बाटी को तो मागड़ी सिंह जी टीम का सभी महारथियों से गुजारिश है फील्ड सजावट के लिए जल्द से जल्द मैदान के चारों तरफ फैल जाए और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस जगह में इस मंच में उपस्थित हो चुके हैं कमेंट्री भार जो संभाल चुके मेरे बड़े भाई यानी कि चरण सिंह भाई उनको भी तहदिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और निश्चित तौर पर ये बड़े भाई को भी जगन्नाथ भगवान एक बार सुखी रखे शांत रखे ये मेरा दुआ है और मेरे सहयोगी भाइयों को भी निश्चित तौर पर जगन्नाथ भगवान सुखी रखे और निश्चित तौर पर बिल्कुल सुखी रखेंगे जगन्नाथ भगवान। तो छत्तीसगढ़ बागड़ी यही तो दर्शक बंधु फील्ड करवा पाए वर्तमान फील्ड सजावट हुए दोनों बड़ों को नहीं कैप्टन बंधु निश्चित भाव रे अग्रसर ही चंदी बागड़ी टीम का कप्तान बंधु से गुजारिश है जल्द से जल्द फील्ड सजावट करें और फिर से आगे का कुछ
इस खेल के बारे में आंखों निकाल मेरे साथी कमेंटेटर बिल्कुल मौजूद है, उनको मैं स्वागत करता हूं। आगे का फिर से एक बार आंखों निकाल बॉल बाय बॉल कमेंट्री करने के लिए स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया तरीके से यहां पर बल्लेबाजी जगह यहाँ पर खेल देखने को मिलेगा दर्शकों को। चारों तरफ दर्शक धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आज का सेकंड राउंड का ये सेकंड राउंड का पहला मैच है आज का, जहां तक सवाल है दोनों टीम इस समय टॉस खत्म करने के बाद एक बेहतरीन मौका है यहां पर। 12-12 ओवर का मैच है। फिर से दूसरा राउंड का पहला मैच मांड की इस पवित्र धरती, और एक बहुत ही बढ़िया तरीके से कहना चाहिए दर्शक अब धीरे धीरे और तेजी के साथ पढ़ रहे हैं आनंद लेने के लिए, मनोरंजन के लिए काफी संख्या में दर्शक। और दोनों बैट्समैन इस समय मैदान के अंदर प्रवेश करते हुए, और खिलाड़ी कप्तान और सभी खिलाड़ी इस समय मैदान के अंदर और अपने अपने क्षेत्र संभालने के लिए, और कुछ देर के बाद मुकाबला प्रारंभ होगा। और दोनों अंपायर इस समय मैदान के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। दोनों अंपायर काले टोपी और काले जर्सी कहना चाहिए पहनकर मैदान के अंदर। बहुत ही बड़ा मुकाबला है दोनों टीमों के बीच में, और अमन और उनके साथ जो खिलाड़ी थे माफ कीजिएगा हमारे ये अंपायर क्या इशारा कर बॉल मांग करते हुए। तो मैच कुछ चढ़ों के बाद प्रारंभ होने वाला है। चारों तरफ दर्शक आनंद लेने के लिए, मनोरंजन करने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से कमेंट्री का दायित्व यहां पर हमारे साथ बैठे हुए हैं कैलाश, वो कुरवेला के रहने वाले हैं, और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहां पर साथ दायित्व निभाते हुए धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से कमेंट्री का दायित्व संभाले हुए हैं। तो कुछ देर के बाद मुकाबला प्रारंभ होगा, और अंपायर में परिवर्तन किया गया है। पहले मैच में हमारे मिस्टर महेश अंपायरिंग का दायित्व संभाले हुए, लेकिन अब इस बार माखन के साथ दायित्व निभाने के लिए हेमराज की आगमन हो चुका है हमारे माँ दुर्गा स्टेडियम मोहन की पवित्र धरती पर। और मैच कुछ देर के बाद प्रारंभ होने वाला है। आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर कैलाश जी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद धन्यवाद बड़े भाई। आप देखिए इस बार फील्ड सजावट केवल दो खिलाड़ी अपने बाहर रख सकते हैं, और गेंदबाजी के मौत है यहाँ पे स्टार्टिंग करने के लिए अब माकड़ी की ओर से। क्या नाम है भाई? अनूप जी, बिल्कुल राम राम हो अनूप भाई। अनूप गेंदबाजी के बोर्चे में, और सलामी जोड़ी बस्तर एकादश के लिए अमन चले अनूप, और यहाँ पे दौड़ लगता था लेकिन स्टेप आउट स्टेप करने के लिए, और चले काफी लंबा रनर अप के साथ राउंड अभी के। और पहले ही गेंद को इस बार, ये तो अमर भाई का मनमानी है, चौके के साथ स्वागत किया है उसको। और बेहतरीन चार रन के साथ शुरुआत किया है वस्त्र एकादश। जहां तक अगर बात करें अमन भाई की, अगर बात करें बेहतरीन लंबी खिलाड़ी है और तकनीकी रखते हैं अपने खेल में, और काफी तजुर्बेवान खिलाड़ी है। चलिए अब अजुब भाई राइट इस बार होगा तभी के, और इस बार छपट्टा मार रहे तीन गज के तार में, यहाँ पे रन का कोई गुच्छ आइस नहीं। बेहतरीन यहाँ पे फील्ड सजावट के साथ यहाँ पे गेंदबाजी, और चार रन यहाँ पे बिल्कुल खाता खुलता हुआ अमन का अपने टीम का, और कहीं ना कहीं इस बार अच्छे वापसी किया है अनुप भाई। चले और यहाँ पे कट कर दिया है दो फील्डर के दरमियान, इस बार निश्चित तौर पर कवर पॉइंट से बाद सीधा रेखा से बाहर, सन्नाटा हुआ सागर। और इसी तौर पर फिर से एक बार अमन का बल्ला बिल्कुल यहाँ पे
मैदान में खेल रहे हैं। बिल्कुल वाह औकत वाह, तुझे क्या कह रहा, बिल्कुल अपने टीम के लिए जोर से उठे, बिल्कुल जुटा चुके हैं अपने टीम के लिए। इस चार रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 8 रन बगैर विकेट के नुकसान से। चले राइट अब ओवर द विकेट और इस बार हो किया है नीचे फील्डर विकेट, बड़ी सफलता बड़ी मछली। स्टॉप द म्यूजिक। तुम तो धोखे बाज हो, वादा करके भूल जाते हो। अपन भाई वादा किया था लेकिन बिल्कुल अपने टीम को धोखा दे दिया। अमन अनु भाई तुम भी बड़ी चालाक हो, मुस्कुरा के विकेट लेते हो। क्या बात है, और बेहतरीन यहाँ पे विकेट चटकाए हैं अनूप भाई और बेहतरीन खूंखार बल्लेबाज का विकेट। और चले राइट अबाउट द विकेट और इस बार फील्डर के ऊपर से गेंद को निकाले लंबी तौर मेट्रो ट्रेन के अंदाज से लंबे तौर और रोकने के नाकाम चार। और इसी चार रनों के साथ स्कोर जा पहुंची है 12 रन एक विकेट के नुकसान पे वर्ष तरीका आदत। वेरा नाम भाई बताए, मनोज जी बिल्कुल वन डाउन पे मनोज। और इस बार बल्ला चलाए थे कहीं यार बॉल गया कहीं निचली तरफ पर और लंबी दौड़ लगानी पड़ रही है बिल्कुल फाइल लेके दिशा में। जब तक फील्डिंग करेंगे बड़ी चहलकदमी के साथ दो रन निश्चित तौर पर मनोज और बाला के द्वारा हर ओवर का समाप्ति और एक ओवर की परिसमाप्ति पर कुल स्कोर 14 रन एक विकेट के नुकसान पे बस तरह का दस। तो निश्चित भावरे अति सुंदर भावरे उभय दल मध्य खेल वर्तमान वस्त्र एकादश बनाम छत्तीसगढ़ पाकड़ी अति सुंदर भावरे। डी बोलर ने बताए भाई बोलर ने उग्रेश जी बिल्कुल और सामना करेंगे बाला भाई काफी लंबा रन के साथ उग्रेश चले राइट अब अमर तभी के और इस बार घुटने टेक के यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे स्टीयर करना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में बल्ले के साथ अच्छे संपर्क बनाने में नाकाम रहे और निश्चित तौर पर बाला भाई रन का कोई गुंजाइश नहीं बिल्कुल। और यहाँ पे बेहतरीन स्पेल के साथ शुरुआत किया है उग्रेश निश्चित तौर पर और अपने दूसरी और इस बार गैप में बॉल को निश्चित तौर पर एक गली के दिशा में चार बेहतरीन चार रन का फिर से निर्धारा और इसी चार रनों के साथ कोटा पहुंची है 18 रन एक विकेट के नुकसान से अनिश्चित होकर और कहीं ना कहीं बेहतरीन गेंद की जरूरत है निश्चित होकर यहाँ पे उमेश भाई को जहां तक एक बात करें तो निश्चित होकर बात लगाना पड़ेगा और इस बार कराना प्रहार लेकिन इस बार झपट्टा मार रहे हैं तीन गज के दायरे में और इसी तौर पर यहाँ पे बिल्कुल नो बॉल जी 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 जी। अरे उग्रेश भाई को तो नो बॉल ने लूटा उन्ने कहा दम था, अरे उग्रेश भाई को तो नो बॉल ने लूटा उन्ने कहा दम था, जहां उग्रेश भाई का पैर गिरा वहां चूड़ा कम था। क्या कहेंगे भाई बड़े भाई साथी कमेंटेटर फिर से स्वागत है। निश्चित रूप से कहना चाहिए
और इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से बॉल सीमा रेखा के बाहर निकल गई चार रनों के लिए। हमारे माइक ऑपरेटर साहब भाई साहब थोड़ा सा माइक को क्लियर करना चाहिए तो नहीं क्लियर नहीं होते माइक ऑपरेटर भाई साहब से मैं अनुरोध करूंगा थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। दाएं हाथ से ओवर टू विकेट गेंद को सामना करने के लिए खूबसूरती के साथ निकालते हैं फील्डर के बीच में से बॉल सीमा रेखा के बाहर निकल जाएगी चार रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं खूबसूरती के साथ आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं और बीच बीच में बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारे साथ कमेंटेटर बहुत ही बढ़िया तरीके से मजा लेते देने के लिए दर्शकों को शायरी और गानों भी यहाँ पर सुना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा बेहतरीन तरीके से कैलाश बहुत ही बढ़िया तरीके से कमेंट्री का दायित्व यहाँ पर संभाले हुए हैं। माँ दुर्गा स्टेडियम बहुत ही बढ़िया तरीके से माकड़ी बासेस बस्तर 11 दाएं हाथ से ओवर विकेट गेंद को सामना करने के लिए तैयार गेंद को सूरज चकमक तरीके से खेला वापस बोनस के माफ कीजिएगा ऑफसाइड में तब तक कोई मौका नहीं रन लेने के लिए। दोनों टीम बहुत ही बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी कर रही है जबरदस्त तरीके से मुकाबला बहुत ही बढ़िया तरीके से दाएं हाथ से ओवर दो विकेट फिर से तैयार गेंद को सामना करने के लिए राइट हैंड ओवर दो विकेट तैयार और बहुत ही बढ़िया तरीके से उठाकर मारा स्कोने के क्षेत्र में दो फील्डर भाग रहे हैं गेंद को रोकने के लिए लेकिन रुकी नहीं बॉल बॉल सीमा रेखा के बाहर निकल गई चार रनों के लिए। इसी प्रकार की बल्लेबाजी की जरूरत है बस्तर 11 वालों को। पहला विकेट गिरने के बाद निश्चित रूप से दोनों बैट्समैन बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहां पर 13 तारीख को नाटक कभी कार्यक्रम रखा गया है यहां की कमेटी की तरफ से बहुत ही बढ़िया तरीके से मुकाबला प्रगति पर। तीसरा ओवर की समाप्ति और ये तीन ओवर के समाप्ति पर टोटल स्कोर माफ कीजिएगा दो ओवर की समाप्ति हुई है दो ओवर की समाप्ति टोटल स्कोर 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बड़ा मुकाबला है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए विकेट गिरने के बाद पहले मैच में बहुत ही बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी की थी अमन ने लेकिन दूसरे मैच में रिवर्स स्वीप मतलब पीछे कोशिश में वहां पर कैच होकर वापस प्रीमियर में समय विश्राम करते हुए जबरदस्त मुकाबला लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी और एक बहुत ही बढ़िया तरीके से मुकाबला प्रगति पर तो बोलर्स का नाम जानना चाहेंगे दाएं हाथ से राउंड बॉल करके गेंद को सामना करने के लिए ये वाइड बॉल का सिग्नल अंपायर की तरफ से वाइड बॉल कॉल बाय अंपायर माखन आर्च वाइड के साथ ही टोटल स्कोर 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कैलाश भाई देखिए हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने से रोड में दर्शक निश्चित रूप से बैठे हुए हैं हम अनुरोध कर रहे हैं ऐसे बैठे हैं वहां पर गाड़ी आवाजाही कर सके ये दर्शकों को हम अनुरोध करें तो बॉल सीमा रेखा के बाहर निकल गई चार रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से तीसरा ओवर प्रगति पर बराबर ओवर का मैच है दोनों टीम अभी जरूर कोशिश कर रहे हैं दूसरे को जीतने के लिए लेकिन किस प्रकार की बल्लेबाजी होता है वो देखने वाली बात होगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी कर रही है बहुत ही बढ़िया तरीके से खेल का प्रदर्शन होता हुआ मॉड की खूबसूरत मैदान पर चारों तरफ दर्शक आनंद लेते हुए मनोरंजन करते हुए उत्साह का माहौल बहुत ही बढ़िया तरीके से फिर से तैयार गेंद को सामना करने के लिए राइट हैंड ओवर विकेट गेंद को बहुत ही बढ़िया तरीके से खेल दिया बहुत ही बहुत बेहतरीन
लेकिन गेंद को रोकने में कामयाबी हासिल की, लेकिन दोनों खिलाड़ी धीरे के साथ भागते हुए दो रन पूरा करते हुए तो इस तरीके से 38 रन टोटल स्कोर 14 ओवर प्रगति पर, तीसरा ओवर प्रगति पर बहुत ही बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए दोनों खिलाड़ी 38 रन तीसरा ओवर प्रगति पर दाएं हाथ से ओवर के और गेंद को खेलना चाहते थे व्हाइट बॉल कोर बाय अंपायर मिस्टर माखन। तो इस तरीके से इस व्हाइट के साथ ही टोटल स्कोर 39 रन 39 रन टोटल स्कोर एक विकेट के नुकसान पर। हमारे साथ बहुत ही बढ़िया से कमेंटेटर कैलाश भाई साहब यहां पर बैठे हुए हैं, बीच बीच में मनोरंजन देने के लिए बिल्कुल तैयारी में, दाएं हाथ से ओवर विकेट, बाएं हाथ से ओवर विकेट गेंद को सामना करने के लिए और बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया, बाउंड्री लगे बाहर निकल गई 6 रन। बहुत ही तगड़ा धमदार बल्लेबाजी और खूबसूरती के साथ गेंद को उठाकर मारा था बॉल सीमा रेखा के बाहर निकल गई 6 रन के लिए। तीसरा ओवर प्रगति पर 12-12 ओवर का मैच है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से अमन का विकेट गिर चुका है, बस्तर 11 टीम को पहला झटका लग चुका है और उसके बाद बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों खिलाड़ी बेहतरीन तरीके से। फिर से तैयार गेंद को सामना करने के लिए और बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दिया, दो शेर भाग रहे थे थोड़ा सा गड़बड़ी के कारण गेंद नहीं रुकी और बेहतरीन मौका हो सकता था 4 रन अर्जित करने के लिए, लेकिन मौका फेंका जाता हुआ और एक रन के साथ ही टोटल स्कोर 47 रन 47 रन तीसरे ओवर प्रगति पर, एक रन नहीं अभी 47 रन टोटल स्कोर बहुत ही बढ़िया तरीके से। फिर से तैयार गेंद को सामना करने के चटपट तरीके से गेंद को खेला वापस बोलर्स की दिशा में, रनों की कोई संभावना नहीं, रुका हुआ स्कोर अभी भी 47 रन एक विकेट के नुकसान पर। चारों तरफ दर्शक आनंद लेते हुए मनोरंजन करते हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से मुकाबला प्रगति पर, जबरदस्त मुकाबला मार्ग इस पवित्र धरती 13 तारीख को नाटक भी होने वाला है। दाएं हाथ से ओवर विकेट, फिर से गेंद को उठाकर मारा बहुत ही बढ़िया तरीके से, 4 शेर भाग रहे हैं गेंद को रोकने के लिए, लेकिन चारों के चारों शेर फेल और बॉल सीमा रेखा के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। तो ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 51 रन। आगे कहां को देखा सुनाने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर कैलाश, धन्यवाद साथी कमेंटेटर सिंह। दोनों ही बल्लेबाज को थोड़ी सी बात लगाना पड़ेगा और थोड़ी सी यहाँ पे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने में जूझ चुके हैं मनोज भाई और निश्चित तौर पर बाला, और कहीं ना कहीं रनों में अंकुश लगाना पड़ेगा निश्चित तौर पर बाकड़ी को, और कहीं ना कहीं बहका साबित हो चुके हैं निश्चित तौर पर। 3 ओवर की परिसमाप्ति, कुल स्कोर यहाँ पे वस्त्र एकादश का 51 रन लॉस ऑफ 1 विकेट निश्चित तौर पर। और गेंदबाजी के बोर्ड से फिर संभालेंगे फिर से एक बार न्यू गेंदबाज, बॉलर ने भैया शिव कुमार जी बिल्कुल शिव आए गेंदबाजी के बोर्ड से वे अपने कोटि का पहली ओवर लेके सामना करेंगे वाला वस्त्र एकादश का। सलामी जोड़ी के तौर पर आए हैं, अभी भी अपने टीम के लिए डटे हुए हैं चट्टान की तरह बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सर्किल हट चुका है, सामना करेंगे बाला और गेंदबाजी के मोर्चे में पहली बार शिव चले
स्पिन गेंदबाज अच्छे स्टीयर किया है बॉल को, निश्चित तौर पर इस बार लॉन्ग ऑफ के दिशा में फील्डर एनी की तैनात है, जब तक फील्डिंग करेंगे बड़ी चहल कदमी के साथ फिर से सिंगल, और इसी सिंगल के चलते स्कोर जा पहुंची है 52 रन चौथी ओवर जारी। अब सामना करेंगे मनोज चले फिर से शिव कुमार और रिवर्स स्वीप, इस बार देखा जाए और नीचे तरफ विकेट विकेट और बड़ी मछली बिल्कुल फंसी है। और शिव कुमार को मिलने वाला पहला सफलता, यहाँ पे मनोज निराशाजनक प्रदर्शन करके निश्चित तौर पर वापस अपने साथियों के दस्तार में डगा उठ के और चल पड़े हैं बिल्कुल। रिवर स्वीप खेलना चाहते थे और सीधे पहले स्लिप के हाथ में कैच से यहाँ पे थमाते हुए और सीधे निराशाजनक प्रदर्शन मनोज के द्वारा और शिव को मिलने वाला ये पहला सफलता जी बिल्कुल लगी है। 52 रन चौथे ओवर पर गति, दो विकेट के नुकसान थे। बैट्समैन नेम राहुल और बेहतरीन अपने आके आके के इशारे से यहाँ पे सिग्नल के साथ बिल्कुल अपने अपने खुद का खाता खुला है बिल्कुल राहुल निश्चित तौर पर बस्तर एकादश का, और इसी सिग्नल के चलते स्कोर जा पहुंची है 53 रन दो विकेट के नुकसान थे बस्तर एकादश। चले फिर से शिव कुमार और यहाँ पे बॉल गया कहीं है, यहाँ पे मारना चाहते थे थोड़ी सी, यहाँ पे स्टीयर करना चाहते बल्ले को फेस को खोलना चाहते थे लेकिन सीधे विकेट कीपर के हाथ में बेहतरीन यहाँ पे गेंदबाजी शिव के द्वारा, स्पिन गेंदबाज शिव कुमार के द्वारा। चले शिव और यहाँ पे सीधे बार बेहतरीन कैच, बड़े कैच तीस गज के धारे में चारों खाने चीज कर दिया। और यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे परेशानी का सबक निश्चित तौर पर बस्तर एकादश लगातार तौर पे यहाँ पे दो विकेट चटका चुके हैं बिल्कुल और उसका हित में माकड़ी छत्तीसगढ़। आदिम बैट्समैन का पदार्थ पर होता हुआ बीच मैदान में फिर से एक बार भरत कश्यप बिल्कुल अजीब कप्तान आए हैं, कप्तान साहब के ऊपर जिम्मेदारी इस बार थोड़ी सी सेकंड में यहाँ पे थोड़ी सी लड़खड़ाता हुआ लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है और इसी तौर पर दो सफलता दिलाते हुए अपने टीम के लिए शिव कुमार बेहतरीन गेंदबाजी इसी तौर पर भरत कश्यप आए हैं बिल्कुल बल्लेबाजी करने के लिए और इस बार आते ही चार्ट करारा प्रहार करना चाहते थे, इस बार लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी तैनात हैं और जब तक फील्डिंग करेंगे बड़ी चहल कदमी के साथ फिर से सिंगल और इसी सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंची है 54 रन तीन विकेट के नुकसान पे चौथी ओवर समाप्ति। थोड़ी सी यहाँ पे संभल कर रहना होगा कहीं ना कहीं वस्त्र एकादश को कहीं इस बार आउट हो ना जाए। अब बल्ला चेंज किया है बिल्कुल भरत कश्यप, खुद कप्तान जानते हैं इन खिलाड़ियों के सामने सामना करना इतने आसान नहीं है और कहीं ना कहीं थोड़ी सी यहाँ पे संभल कर रहना होगा भरत कश्यप को। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन बेहतरीन बल्लेबाज यार दीवानी कप्तान है और गेंदबाज फिर से एक बार पंकज आए अपने गेंदबाजी के मोर्चे में संभालने के लिए और सामना करेंगे कप्तान भरत कश्यप वस्त्र एकादश का और बेहतरीन जमावट के साथ यहाँ पे गेंदबाजी। चले इस बार पंकज राइट अमोवर द विकेट, यहाँ पे काफी बाहर गया है निश्चित तौर पर काफी स्टंप से निश्चित तौर पर वाइड करार देते हुए अपार बंधु निश्चित तौर पर इस वाइड के चलते स्कोर जा पहुंची है 55 रन तीन विकेट के नुकसान पे
पांचवा ओवर पंकज के द्वारा जारी। और इस बार कट कर दिया है और किसी के पास मौका नहीं, इस बार सनसनाता हुआ चार रन निश्चित तौर पर डीप पॉइंट के दिशा में निश्चित तौर पर गेंद को निकाले हैं सीमा रेखा से बाहर चार रनों के लिए। और इसी चार रनों के साथ वस्त्र एकादश का खाते में फिर से जुड़ता हुआ 59 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी करना पड़ेगा और इसी तौर पर गेंदबाजों के सामने यहां पे आसान नहीं होगा भरत कश्यप के। फिर से करारा प्रहार, लेकिन रोकने में नाकाम, दंदराता हुआ सनसनाता हुआ फिर से चार रन, बैक टू बैक चौका। और इसे चार रनों के साथ स्कोर का पहुंची है 63 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट वस्त्र एकादश महंगा साबित होते हुए पंकज। कहीं ना कहीं रनों में अंकुश लगाना पड़ेगा यहां पे पंकज को, कहीं ना कहीं बाद लगाना पड़ेगा भरत कश्यप को। और क्लीन बोर्ड, और इसी को कहते हैं जैसे करनी वैसे भरनी। जी बिल्कुल, और दो लगातार चौका झंडे के बाद इस बार बेहतरीन वापसी किया है और सीधे डंडे को उखाड़ दिया है बिल्कुल भरत कश्यप निश्चित अपन नाखुश। और कहीं ना कहीं बिल्कुल यहां पे थोड़ी सी लड़खड़ाता हुआ पारी वस्त्र एकादश का। पांचवा ओवर बेहतरीन अंदाज से यहां गेंदबाजी, चार विकेट के नुकसान पर निश्चित तौर पर वस्त्र एकादश। सीबा तुम्हारे सीबा कुछ ना चाहत करेंगे, चलो सीबा सीबा भाई आए हैं वस्त्र एकादश के लिए। अब इन दोनों की कंधों पे जिम्मेदारी यहां पे आगे बढ़ाना होगा अपनी टीम को थोड़ी सी संकट में, थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई पारी वस्त्र एकादश का। और यहां पे जहां तक अगर बात करें बेहतरीन गेंदबाजी पंकज के द्वारा बागड़ी छत्तीसगढ़ के द्वारा, सीबा राइट हैंडर बैट्समैन बिल्कुल इन दोनों के कंधों पे बहुत जिम्मेदारी। कप्तान साहब यहां पे चल पड़े हैं अपने साथियों के दस्तानों में। बेहतरीन कमाल का गेंदबाजी यहां पे भरत कश्यप को फंसाए थे अपने जाल में पंकज पांचवा ओवर में। अब न्यू बैट्समैन इस बार मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन सीबा, और रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे पर लो फुल टॉस गेंद का फायदा उठाने में नाकाम रहे सीबा, रन का कोई गुंजाइश नहीं। पांचवा ओवर बिल्कुल बेहतरीन अंदाज से कर रहे हैं, पहले दो गेंदों पे बैक टू बैक चौका खाने के बाद अच्छी वापसी पंकज के द्वारा। चले पंकज, और यहां पे बड़ी शॉट खेलना चाहते थे, यहां पे एक लेफ्ट हैंड शॉट खेलना चाहते थे, नो बॉल जी, ना बॉल ना बॉल। थोड़ी सी स्टेप स्टेप में थोड़ी सी गड़बड़ी, इसके चलते नो बॉल करार देने में बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़े हैं बिल्कुल अंपायर बद्दो रिसीव होकर प्रीत। क्या कहते हैं सीबा भाई, इस नो बॉल का सही नसीहत देना पड़ेगा सीबा को। और चले नौ बॉल के साथ फिर से एक बार गेंदबाजी कर गले, और इस बार क्या फील्डर को क्लियर करने में, जी बिल्कुल निश्चित तौर पर नौ बॉल के चलते आउट नहीं है बिल्कुल। हाँ दोनों ही बल्लेबाज के द्वारा सिंगल बटर चुके हैं, नौ बॉल का यहां पे सही नसीहत देने में कामयाब हो नहीं पाए और इसी एक रन के साथ स्कोर जा पहुंची है 65 लॉस ऑफ 4 विकेट वस्त्र एकादश। पांचवा ओवर बिल्कुल लंबे स्पेल के साथ यहां पे गेंदबाजी कर रहे हैं बिल्कुल पंकज, और यहां पे थोड़ी सी यहां पे अपील कर रहे हैं, अपील में कोई टच से बस नहीं आ रहा, ओवर का परिसमाप्ति
पांच ओवर के बड़ी समाप्ति बाद निश्चित तौर पर वस्त्र एकादश 65 रन यानी कि लॉस ऑफ 4 विकेट, 7 ओवर फेंकी जानी बाकी है। कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर यहां पे सफल कर लेना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज सिबा एंड राहुल जी बिल्कुल, और फिर से आगे का आपको दिखा सुनाने के लिए मेरे बड़े भाई यानी कि साथ ही कमेंटेटर, फिर से कमेंटेटर का स्वागत करता हूं आगे का आपको दिखा सुनाने के लिए। धन्यवाद कैलाश। तो इस तरीके से दोनों बैट्समैन बहुत ही बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहां पर आए फील्डिंग का सजावट देखते हैं। पहला स्लिप के स्थान पर एक खिलाड़ी, दूसरे स्लिप के स्थान पर कोई भी खिलाड़ी नहीं मौजूद नहीं है। दाएं हाथ से और बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को स्क्वायर कट कर दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद। एक रन का मौका दोनों बैट्समैनों के पास। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में एक खिलाड़ी, बिल्कुल पॉइंट के क्षेत्र के फील्डर बाउंड्री लाइन के नजदीक फील्डिंग करें, और मिड विकेट के क्षेत्र के खिलाड़ी देखिए, और स्क्वायर के क्षेत्र के फील्डर बस्तर 11 के ड्रेसिंग रूम के तरफ फील्डिंग कर रहे हैं एक खिलाड़ी। दाएं हाथ से ओवर, बाएं हाथ से माफ कीजिए, दाएं हाथ से, और इसके साथ ही गेंद को ड्राइव किया बहुत ही बढ़िया तरीके से। एक रन का मौका दोनों बैट्समैनों के पास। अच्छा रन इन बिटवीन द विकेट, बहुत ही बढ़िया तरीके से रन पूरा करते हुए 67 रन टोटल स्कोर, 67 रन, 4 विकेट के नुकसान पर छठवां ओवर प्रगति पर फिर से तैयार गेंद को सामना करने के लिए, और खेल को खेलना चाहते थे पूरी तरह फीट होते हुए, और बॉल सीधे कीपर के क्लब्स में रनों की कोई संभावना नहीं। बहुत ही बढ़िया तरीके से खेल का प्रदर्शन यहां पर। दाएं हाथ से खूबसूरती के साथ उठाकर मारा बेहतरीन तरीके से, लेकिन फिर से बॉल वहां पर टपका खाने के बाद वहीं पर रुक गई, और एक बेहतरीन मौका हो सकता था 4 रन अर्जित करने के लिए, लेकिन फिर से मौका बेकार जाता हुआ। 2 रन का मौका दोनों बैट्समैनों के पास। इस 2 रन के साथ ही टोटल स्कोर 69 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 69 रन, 7वां ओवर प्रगति पर, छठवां ओवर माफ कीजिएगा, छठवां ओवर प्रगति पर। और इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंद को खेला था जरूर, लेकिन वहीं लुढ़क गई बॉल और कोई मौका नहीं रन लेने के लिए। चारों तरफ दर्शक किसी भी चौके को रोकने के लिए, और गेंद को उठाकर मारा उसके साथ ही आउट। यह बहुत बड़ा झटका लगता हुआ बस्तर 11 टीम को। सीमा वापस बेबीलन के तरफ जाते हुए एक बहुत ही बढ़िया तरीके से ओवर की भी समाप्ति। तो इस तरीके से 6 ओवर के समाप्ति पर टोटल स्कोर 69 रन पर ये पांचवा झटका बस्तर 11 टीम को लगता हुआ। माकड़ी के पूरे खिलाड़ी इस समय एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए मोहन की इस पवित्र धरती, बहुत ही खूबसूरत मैदान, चारों तरफ दर्शकों के लिए बैठने का क्षमता है, लोगों की भीड़ अब देखने को मिलता हुआ निश्चित रूप से कम संख्या में, जरूर दर्शक कम है लेकिन उनके चेहरे पर उत्साह का लहर दौड़ता हुआ, और मैच अभी भी रुका हुआ है। हमारे स्कोरार और नायब स्कोरार का दायित्व संभाले हुए हैं सनंत, बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना अपना दायित्व निभाते हुए। धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के कमेटी, प्रतिवर्ष ये बॉल मांग करते हुए हमारे अंपायर भाई साहब, और ये बॉल यहाँ पर चॉइस करने की कोशिश कर रहे हैं अंपायर। निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा मुकाबला है, और मुकाबला जो है उसमें दोनों टीम बिल्कुल तैयारी में है, और 4 विकेट की पतन हो चुका है, 5 विकेट। धन्यवाद हमारे स्कोरार जानकारी देते हुए। पहला विकेट गिरा था 8 स्कोर पर, दूसरा झटका 52 स्कोर पर, तीसरा क्षति बस्तर 11 को हुआ था, उस समय स्कोर था
53 रन का विकेट था, अपर 11 टीम का स्कोर था 63 रन, पांचवा विकेट अभी अभी गिरा है 69 के स्कोर पर, एक कम 70 रन, 69 रन। बैट्समैनों का नाम जानना चाहेंगे हम, बैट्समैनों का नाम जानना चाहेंगे हम, लक्ष्मी राहुल और लक्ष्मी इस समय बीच मैदान पर, सातवां ओवर लेकर फिर से तैयार, गेंद को सामना करने के लिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड आर्च के साथ ही मौका हो सकता था कोटन बोल्ड करने के लिए, लेकिन मौका बेकार जाता हुआ माकड़ी टीम के कप्तान के लिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं, एक रन का मौका, 70 रन टोटल स्कोर, चारों तरफ दर्शक आनंद लेते हुए पूरे के पूरे स्टेडियम कहना चाहिए हमारे कमेंट्री बस के ठीक सामने, और दाएं तरफ बिल्कुल दर्शक भरे हुए हैं आनंद लेते हुए मनोरंजन करते हुए। दाएं हाथ फिर से बहुत ही बढ़िया तरीके से खेलना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह बीट और बॉल सीधे कीपर के ग्लव्स में, रनों की कोई संभावना नहीं। बहुत ही बड़ा मुकाबला है, जबरदस्त तरीके से यहां पर मैच चलता हुआ, और यहां पर हम कमेंटेटर हम एक दूसरे से बातचीत कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पास ये रटन माइक है वो थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए हम एक दूसरे के साथ हम बात मिला कर नहीं कर पा रहे। इस पर बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को खेल दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद, एक ही रन में संतुष्ट होना पड़ा, और इसके साथ ही दो रन का भी मौका था लाल भाई, बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, नो बॉल गुड बाय अंपायर, तीन रन में टोटल तीन रन, और इसी तीन रन के साथ स्कोर जा पहुंची है 73 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट, सातवां ओवर बिल्कुल जारी, बॉल नो है, दो बॉल जी बिल्कुल, थ्री हिट है, तीन बॉल दो बॉल, लक्ष्मी आधी से चले और क्लीन बोल्ट, लेकिन नो बॉल है, और जितने दौड़ सकते हैं उतने दौड़ लगाओ, निश्चित तौर पर ये नो बॉल है, कोई फायदा नहीं, केवल दो रन से संतुष्ट दिखाए हैं अपनी टीम के लिए वस्त्र एकादश, और इसी दो रनों के साथ इसको जा पहुंची है 74 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट, 7 ओवर जारी, लक्ष्मी सर एक रन है जी, माफ कीजिएगा सर, इस बार और बेहतरीन गेंद को इस बार तीज गज के दायरे को फेंक चुके हैं, निजी तौर पर दो फील्डर इस बार लंबी दौड़ लगा रहे हैं, बिल्कुल रोक चुके हैं, और जब तक फील्डिंग करेंगे बड़ी चहलकदमी के साथ, और विकेट विकेट, वाह 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 वाह, क्या यहाँ पे थोड़ी सी पीछे रह गए, इसके चलते निजी तौर पर रन आउट का एक कॉल, वापस इस बार लक्ष्मी, और बिल्कुल सॉरी राहुल यहां पे चल पड़े हैं सीधे रन आउट के साथ अपने डग आउट में, एक रन मैच, केवल एक रन जुड़ा जाएगा निश्चित तौर पर खाते में, वन कुमार अब न्यू बैट्समैन का पदार्पण बीच मैदान में, रन आउट के साथ विकेट गिराते हुए अपने टीम के लिए निश्चित तौर पर, अब सामना करेंगे वन कुमार, आज बार सीधे तीज गज के दायरे में शॉर्ट पॉइंट पे खिलाड़ी जरा थे, रन का कोई गुंजाइश नहीं, रन कुमार आते ही बल्ला चलाना चाहते थे, लेकिन कोई रन नहीं, रन का कोई गुंजाइश नहीं, यहां पे शानदार गेंदबाजी सटीक लेंथ के द्वारा, स्टंप टू स्टंप यहां पे वीक, यहां पे गेंदबाजी करते हुए
इनका क्या इस पर गेट कीपर से थोड़ी सी टाइम गेंद को खेलाए निश्चित तौर पर सीमा रेखा से निश्चित तौर पर चार रनों के लिए थोड़ी सी भाग्य का साथ दिया साथी कमेटी दल। देखिए निश्चित रूप से कहना चाहिए दोनों बल्लेबाजों को यहां से अच्छा तरीके से बल्लेबाजी करने की जरूरत है। कम से कम 12 ओवर का मैच है, 12 ओवर में कम से कम 150 रन तो जरूर बनाना चाहिए। बिल्कुल, और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करने में माहिर है माकड़ी के बैट्समैनों ने भी, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, तो निश्चित रूप से कहना चाहिए 140 से 150 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और 7 ओवर यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। जहां तक अगर बात करें रनों का, अगर बात करें वस्त्र एकादश का, यहाँ पे केवल 6 विकेट यहाँ पे खो चुके हैं, अभी भी हाथ में 4 विकेट यहाँ पे सुरक्षित है। तो देखा जाए बचे खुचे 5 ओवर में कितने रन बटोरते हैं। निश्चित तौर पर वन कुमार और राहुल लक्ष्मी जी, बिल्कुल माफ कीजिए, अब सामना करेंगे लक्ष्मी। गेंदबाजी के मोर्चे में फिर से आक्रमण शोर पे लगाते हुए कप्तान स्पिन गेंदबाज को करारा प्रहार, इस बार गेंद को लॉफ्ट हैंड शॉट सीधे लॉन्ग ऑफ के दिशा में 6 रनों के लिए। और छक्के के साथ स्वागत किया है निश्चित तौर पर, और इसे 6 रनों तुम चुप चपता हो कि 2 रन बिल्कुल अपने टीम के किसी 2 रनों के साथ पहुंची है वस्त्र एकादश का 87 रन लॉस ऑफ 6 विकेट। अभी जो विकेट निश्चित रूप से विकेट कीपर को चांस देना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से लगने के बाद बेहतरीन मौका हाथ से निकलता हुआ अपनी टीम के लिए। निश्चित तौर पर एक बेहतरीन चांस कहते रहो और फिर से बॉल को स्टीयर किया है मिड विकेट दिशा में, जब तक फील्डिंग करेंगे बड़ी जाकदमी के साथ लक्ष्मी। वन कुमार के द्वारा फिर से सिग्नल, इसी सिग्नल के चलते वस्त्र एकादश का स्कोर जा पहुंची है 88 यानी कि 88 रन। और इस बार विकेट कीपर से फिर से मिस होता हुआ लंबित और मेट्रो ट्रेन की तरह लंबित और लगा रहे, लेकिन रोकने में नाकाम रहे और सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, और इसी 4 रनों के साथ स्कोर जा पहुंची है 92 रन लॉस ऑफ 6 विकेट 8 ओवर जारी। जी बेहतरीन यहाँ पे हमारे सर भाई यहाँ पे बिल्कुल अपने काम को निभा रहे हैं, तहे दिल से शुक्रिया, हार्दिक अभिनंदन। इसे चले और इस बार थोड़ी सी यहाँ पे है निश्चित तौर पर ऑफ स्टंप से काफी बाहर, और इसके चलते हैं माखन भाई के द्वारा ये वाइड करार देते हुए, इसी वाइड के चलते स्कोर जा पहुंची है 93 रन लॉस ऑफ 6 विकेट वस्त्र एकादश। बेहतरीन यहाँ पे दोनों के द्वारा बेहतरीन बल्लेबाजी ऑर्डर के बैट्समैन के द्वारा, और इस बार देखा जाए रात है और जब तक फील्डिंग करेंगे बड़ी सहल कदमी के साथ फिर से सिंगल बटोरे हैं, और इसी सिंगल के चलते स्कोर जा पहुंची है 94 रन लॉस ऑफ 6 विकेट वस्त्र एकादश। यही डबल बिल्कुल जारी निश्चित तौर पर, अब सामना करेंगे लक्ष्मी। बेहतरीन यहाँ पे गेंदबाजी और करारा प्रहार, इस बार सीधे स्टैंड ग्राउंड में 6 रनों के लिए, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत ही बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन तरीके से मिड विकेट के क्षेत्र में, हालांकि फील्डर वहां पर मौजूद कैलाश भाई थे, लेकिन उनके सिर के ऊपर से और सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। जी बिल्कुल, और इसी तरीके का शॉट दिखाना पड़ेगा बच्चे खुदे ओवर में निश्चित होकर, अगर बड़े यहाँ पे लक्ष्य का अगर पीछा करवाना है तो निश्चित होकर यहाँ पे 100 रन यानी कि 100 रन वस्त्र एकादश।
बहुत ही बड़ा स्कोर की तरफ आगे बढ़ता हुआ, 8 ओवर में 100 रन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कहना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए कैलाश भाई, दोनों बैट्समैन इस समय बातचीत करने के बाद अपने अपने स्थान संभालने के लिए। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं यहाँ पे अमन भाई और उनके साथी खिलाड़ी आके कुछ मंत्र दिलाए हैं, मंत्रणा दिलाते हुए, भाई ऐसा खेले ये मंत्रणा दिलाते हुए दोनों बैट्समैन क्या करते हैं बचे खुचे ओवर में और गेंद में। निश्चित रूप से 8 ओवर की समाप्ति, अब 9वां ओवर फेंकने के लिए तैयारी में गेंदबाज का नाम हम जानना चाहेंगे, भवेश, भावेश आए गेंदबाजी के मोर्चे पर, सर जडेजा के नाम से जाने जाते हैं भावेश। जी बिल्कुल, दाएं हाथ से ओवर विकेट गेंद को खूबसूरती के साथ उठाकर मारा, बेहतरीन तरीके से बॉल सी मारेगा के बाहर, चेरन। जी बिल्कुल, और बेहतरीन अंदाज से बॉल को ग्लांस कर दिया है और दर्शक बनते रहे फील्डर 6 रनों के लिए, और इसी 6 रनों के साथ तेजी से छलांग लगाते हुआ मस्तर एकादश का स्कोर बोर्ड में 106 रन। बहुत ही बढ़िया तरीके से आनंद लेते हुए, मनोरंजन करते हुए दर्शक, बहुत ही बढ़िया तरीके से दोनों बैट्समैन इस समय तैयारी में, दाएं हाथ से ओवर विकेट फिर से तैयार गेंद को खेलने के लिए, लेकिन पूरी तरह फीट होते हुए और बॉल सीधे कीपर की ग्लव्स में और कोई मौका नहीं रन लेने के लिए। देखिए मेरे साथी कमेंटेटर, मैं पहली बार भी मैं आपको कहा था लेकिन इस बार भी कहूंगा, और इस बार देखा जाए दो फील्डर के दरमियान इस बार सेकंड स्लिप से गेंद निकलता हुआ सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। निश्चित रूप से कहना चाहिए 7 नंबर जर्सी में पूर्व भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं, देख भाल भाल कर देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा देखा और उसके बाद बल्ला चलाया, अनुभव का परिचय देते हुए यहाँ पर निश्चित तौर पर और कहीं ना कहीं धोनी से महंगा साबित होते हुए, और बेहतरीन स्टीयर किया है इस बार बॉल को, जब तक मिड विकेट का खिलाड़ी लंबी दौड़ लगाएंगे और जब तक फील्डिंग करेंगे, और निश्चित तौर पर सिंगल, और इसी सिंगल के साथ स्कोर कहां पहुंची है 111 रन। देखिए मेरे बड़े भाई, इसके बारे में कुछ भविष्यवाणी लगा सकते हैं कि आप कौन बनेंगे इस खेल में विजेता, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से कहना चाहिए यहाँ पर दोनों टीम शक्तिशाली टीम है एक दूसरे के आमने सामने, और यहाँ से अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल है, दोनों ही शक्तिशाली टीम एक दूसरे के आमने सामने, जब तक आखिरी गेंद फेंका नहीं जाता तब तक फैसला कहना बहुत बिल्कुल सही फरमाया है मेरे साथी कमेंटेटर, और जब तक खेल में अंतिम बोल ना पड़ी हो इसका भविष्य आकलन करना बिल्कुल मूर्खता है मेरे अंदाज से। निश्चित रूप से दाएं हाथ से ओवर विकेट, बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंद को खेलना चाहते थे और पहले रन लेना चाहते थे, बाद में इनकार जरूर हुआ था लेकिन दोनों पड़े हुए कदमों को 1 रन में तकदीर किया और बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। नवा ओवर बिल्कुल जारी, ओवर का जी बिल्कुल समाप्ति, 9 ओवर के बड़ी समाप्ति पर कुल स्कोर बस्तर एकादश का 113 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट। निश्चित भावरे अति सुंदर भावरे खेल छत्ती बस्तर एकादश बना छत्तीसगढ़ बागड़ी, निश्चित भावरे अति सुंदर भावरे रमाचक खड़ा वर्तमान आप देखते दर्शक बंधु जय मा दुर्गा स्टेडियम मोहन थारे वर्तमान मैदान चारी अड़े बा चतुर्पार्श्वरे अगणित श्रोतांक भिड़ कहिले न सरे। और चली गेंद बहुत दूर चली छक्के के लिए, निश्चित रूप से कहना चाहिए हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने गिरी और हमारे स्कोरारों को बिल्कुल लगते लगते बच गया, एक बेहतरीन तरीके से छक्का। जी बिल्कुल, और इसी 6 रनों के साथ 119 रन, और इस बार कैच का मांग कर रहे हैं लेकिन नॉट बैंस लैंड की तरफ बॉल एक बार जाता हुआ और थोड़ी सी पीछे रह गए भावेश, और जब तक फील्डिंग करेंगे बड़ी चहलकदमी के साथ फिर से सिंगल बटोरते हुए वस्त्र एकादश का वन कुमार, और इसे 1 रनों के साथ इसको जा पहुंचिए 120 रन। चले राउंड द विकेट अधिकी तौर पर, और बेहतरीन यार का गेंद को फिर से सही नतीजा तो देकर जाएगी 6 रन, बेहतरीन छक्का कनेक्टिंग बाय, सुंदर भावरे खेलो चंती रोमांचक करो खेलो,
और इसे छह रनों के साथ तेजी से छलांग लगा दो है स्कोर बोर्ड पे 126 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट और दसवां ओवर बिल्कुल जारी। अति सुंदर भावरी खेल, रोमांचक भावरी खेल का मजा और शॉर्ट पिच गेंद निश्चित तौर पर वाइड बॉल करार दे जाएगी निश्चित तौर पर अंपायर बंधु के द्वारा निश्चित तौर पर इसे वाइड के साथ स्कोर जा पहुंची है 127 रन लॉस ऑफ 6 के। कैलाश भाई आप दोनों बैट्समैन बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं और जैसे जैसे यहां पर छक्का चौकों की बारिश होता हुआ वैसे वैसे दर्शकों के माफ कीजिएगा फील्डरों के चेहरे पर माथे पर चिंता की रेखाएं साफ नजर आता हुआ देखिए और बेहतरीन ताल मिला के दोनों के साथ केवल दो रन और इसी दो रनों के साथ स्कोर जा पहुंची है 129 रन लॉस ऑफ 6 विकेट। दसवां ओवर बिल्कुल जारी, अब सामना करेंगे लक्ष्मी और लॉ फुल टॉस गेंद, इस बार फील्डर तैनात है और यहां पे थोड़ी सी छलांग लगा के फील्ड किया है निश्चित तौर पर बिल्कुल अपने टीम के लिए 3 रन बचाए हैं और इसी एक रनों के साथ इसको जा पहुंची है वस्त्र एकादश का 130 रन निश्चित तौर पर। और इस बार क्रॉस कर दिया है गेंद को, देखा जाए वन बाउंस चार रन बेहतरीन सॉरी भाई चार रन, हाँ जी बिल्कुल चार रन बेहतरीन चौके वन बाउंस चार ओवर का समाप्ति 10 ओवर की परिसमाप्ति पर कुल स्कोर 134 रन 6 विकेट के नुकसान पे वस्त्र एकादश। दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल अपने आंखें को जमाते हुए निश्चित तौर पर जम चुके हैं और बेहतरीन चौके छक्के का यहाँ पे बारिश मैदान के चारों तरफ यहाँ पे झड़ी लगाते हुए बन कुमार और निश्चित तौर पर लक्ष्मी, वाह लक्ष्मी वाह। स्पेशल थैंक्स टू प्रेसिडेंट मिस्टर पंचू भाई, वाइस प्रेसिडेंट धनराज केसीएल सोनारा और अपनी कोटे का दूसरी ओवर को लेके उग्रेश यहाँ पे जारी किया है निश्चित तौर पर और जब तक फील्डिंग करेंगे बड़ी चहल कदमी के साथ ही से सिंगल बैटर चुके हैं और इसी सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंची है 135 रन 6 विकेट के नुकसान पे पर उग्रेश के द्वारा लंबे यहाँ पे रनरअप के साथ गेंदबाजी और यहाँ पे जड़ गेंद और बड़े चहल कदमी के साथ बड़ी आंखें के इशारे से निश्चित पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा शानदार यहाँ पे रनिंग बिटवीन द विकेट और इसे एक रनों के साथ 136 रन और ले बाई का ही रन है बिल्कुल और निश्चित तौर पर शानदार बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा बिल्कुल अपने कमान को संभाल चुके हैं दोनों ही बैट्समैन वन कुमार एंड लक्ष्मी। उग्रेश चले फिर से राइट आर्म का विकेट और इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर वाइड बॉल करा दे जाएगी माखन भाई के द्वारा, काफी अनुभवी अंपायर है माखन भाई, निश्चित तौर पर काफी सालों से रखे हैं अपने अनुभवी का खेल में अंपायर के तौर पे काफी तजुर्बेबाद अंपायर है निश्चित तौर पर माखन इस बार घूमने टेक के बड़ी शॉट खेलना चाहते थे इस बार लंबा का खिलाड़ी जब तक फील्डिंग करके बड़ी चहलकदमी के साथ फिर से एक बार सिंगल बटोरते हुए और फिर से आगे का आंखों ने कहा सुनाने के लिए मेरे बड़े भाई को स्वागत करता हूं इस खेल के बारे में आंखों ने कहा सुनाने के लिए। धन्यवाद कैलाश भाई, तो इस तरीके से दाएं हाथ से करके वो खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरह वहां पर एक मौका हो सकता था लेकिन एक रन का मौका दोनों बैट्समैनों के पास। चारों तरफ दर्शक बहुत ही आनंद लेते हुए मनोरंजन करते हुए होटल भी लगे हुए हैं, आनंद लेते हुए मनोरंजन करते हुए दुकानें भी लगे हुए हैं, मनोरंजन निश्चित रूप से मिलता हुआ बीच बीच में हमारे माइक ऑपरेटर साहब भाई साहब गाने भी बजाते हुए फिल्म संगीत सुनाते हुए सभी दर्शकों को और पूरे आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हम
यहाँ पर मौजूद मेरे साथी कमेंटेटर कैलाश और मैं पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार। इसके साथ ही गेंद को फिर से खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, माफ कीजिएगा लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। तब तक एक रन का मौका दोनों बैट्समैनों के पास। हमारे साथ स्कोरर का दायित्व निभाते हुए यहाँ पर महेश और अजय पूरी तरीके से अपना अपना दायित्व निभाते हुए, और वॉलंटियर भाइयों को भी मैं निश्चित रूप से अनुरोध करूंगा अपना अपना दायित्व है, जो दायित्व दिया गया है यहाँ के कमेटी की तरफ से उसको निश्चित रूप से निभाना चाहिए। गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरह बीट और बॉल सीधे कीपर के ग्लव्स में, रनों की कोई संभावना नहीं। तो इस तरीके से 11 ओवर की समाप्ति, 140 रन, 6 विकेट के नुकसान पर बहुत बड़ा मुकाबला माँ दुर्गा स्टेडियम मोहंड की पवित्र धरती। और दोनों बैट्समैनों ने इस समय मंत्रणा करते हुए, बातचीत करते हुए जबरदस्त तरीके से यहां पर मुकाबला अनूप गेंदबाजी का दायित्व निभाते हुए यहां पर अनुभवी अंपायर हैं। जहां तक दोनों अंपायरों का जहां तक सवाल है, माखन इस समय मेन अंपायर का दायित्व संभाले हुए हैं और लेग अंपायर का दायित्व हेमराज के पास। दोनों अनुभवी अंपायर इस समय बीच मैदान पर। इस बार गेंद को खूबसूरती के साथ निकाल दिया बाउंड्री लाइन के क्षेत्र में, दो फील्डर के कैलाश भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंद को रोकने की कोशिश, लेकिन दोनों के दोनों शेयर फेल और बॉल सीमा रेखा के बाहर निकलती हुई तंदना हुआ तहुआ शॉट 4 रनों के लिए। जी बिल्कुल, ये मनोरंजन करते हुए देखिए ट्रैक्टर वाला भी गाने बजाते हुए दाएं हाथ से गेंद को खूबसूरती के साथ निकालने की कोशिश, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं होता हुआ और बॉल सीधे कीपर के ग्रप्स में। और ये संभवतः तीसरा गेंद निकल गई है और दोनों बैट्समैन इस समय तैयारी में। टोटल स्कोर 144 रन और गेंद को उठाकर मारा 6 रन। कैलाश भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी। जी बिल्कुल बिल्कुल, और बचे खुचे गेंद को इसी तरीका का शॉट खेलना पड़ेगा अगर बड़े स्कोर की तरफ अगर अग्रसर होना चाहते हैं तो। निश्चित तौर पर वस्त्र एकादश बिल्कुल सही अपनाते हुए, और इस बार विकेट कीपर से मिस होता हुआ बॉल देखा जाए सीधे दर्शकगण के हाथ में सीधे निकल चुकी है फाइन लेग की दिशा में। निश्चित तौर पर 4 रनों के लिए निश्चित रूप से कहना चाहिए 154 154 रन माँ दुर्गा स्टेडियम लक्ष्मी केवल 3 रन से पीछे है अर्धशतक बनाने के लिए, और खूबसूरती के साथ निकाल दिया 4 रनों के लिए। और इसके साथ हाफ सेंचुरी लक्ष्मी का, वाह लक्ष्मी वाह तुझे क्या फायदा, बिल्कुल छावे गुरु बिल्कुल मैदान पे बहुत ही बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी। कम संख्या में दर्शक जरूर है लेकिन उनके चेहरे पर उत्साह की लहर दौड़ता हुआ। कैलाश भाई क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, और वन सेकंड देखा नीचे लेकिन बचाओ बिल्कुल अपने टीम के निश्चित तौर पर। और इसके साथ ही अभर भी समाप्त है और कुल स्कोर 159 और जीतने के लिए 160 रन निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ बागड़ी को। और बेहतरीन यहाँ पे बल्लेबाजी लक्ष्मी और बंद कुमार के द्वारा अपने टीम की एक समय लगा था। निश्चित तौर पर ये 100 रन के अंदर आउट ऑल आउट हो जाएंगे निश्चित तौर पर, लेकिन बेहतरीन यहाँ पे अपने गियर बदल चुके थे निश्चित तौर पर अंतिम क्षण में, और निश्चित तौर पर अंतिम तक निश्चित तौर पर अपने टीम के लिए सेना बन के खड़े हो चुके हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से, हेलो बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो छत्तीसगढ़ की टीम है तो हम माइक ऑपरेटर भाई साहब से ले चलते हैं सीधे छत्तीसगढ़ी फिल्म संगीत सुनाने के लिए। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से, और टोटल स्कोर बनाना है 135 रन बनाकर नॉट आउट अपने पवेलियन की ओर निश्चित तौर पर, और जीतने के लिए 160 रन चाहिए छत्तीसगढ़ को। प्रिय दर्शक बंधु आसंता 13 तारीख दिन अपमान कर मनोरंजन सकाश
राती 10 घंटी का समय है आपण माने भुलंतु नाही सही कटपटी रन आहेला धरी बाकी बो सुखर सपना दशगंधु नाटकटी रन आहेला धरी बाकी बो सुखर सपना दशगंधु जवारू भी भुलंतु नी आसंता 13 तारीख दिन आणि देखी 13 आपण माने साफल्य बंदित करी बने क्रिकेट एसोसिएशन तरफ आपण को आभार प्रिय दर्शक बंधु आसंत 13 तारीख दिन कोसा गुंडा बहुत नाटक जे कि देखी पारे राति ठीक 10 घंटी का समय नाटक टी रहा फेरी बकी सुखर सफल देखी दिखते दर्शक बंधु आसंत 13 तारीख राति 10 घंटी का समय जवानी भरतपुरी बहुत संख्या में भगवान देखी निश्चित भाव सही नाटक अंतिम पर्यंत देखिए साफल्य बंडित करेंगे बोली आम महान क्रिकेट एसोसिएशन तरफ आपण को आभार स्पेशल थैंक्स टू प्रेसिडेंट पंचू भाई वाइस प्रेसिडेंट धनराज भाई एंड केसीएस सोनाराम टीम मैनेजमेंट महेश भाई मार्केटिंग देवी सिंह माखनलाल और कमिटी मेंबर मोहन लाइव स्कोरर सरंत भाई पोवित ब्लॉग डॉट कॉम ऑफलाइन स्कोरर हमारे जो साइट में है निश्चित तौर पर हमको बार बार स्कोर के बारे में जानकारी दे रहे हैं निश्चित तौर पर महेश भाई और अजय भाई तहदिल से शुक्रिया इन भाइयों को टारगेट कितनी है 160 माइक मास्टर भाई स्टॉप द म्यूजिक नमस्कार दोस्तों सेकंड इनिंग्स का खेल कुछ ही क्षण के बाद प्रारंभ होने वाला है बॉल फिंग तो बैरन खाली के में खाली के में कौन ये बस्तर ब्लास्टर कौन थोड़ी सी पहली गेंद में लीडी गेंद लगा था प्रिय दर्शक बंधु आसक्त करी रहो प्रथम मैच वस्त्र लास्टर बना 300 का डाला ता परवर्ती मैच हो ता परवर्ती मैच हो मोहन वर्सेस हीरापुर ये जा दर्शक बंधु आसक्त करी रहो मैच चापड़ मानी जमार हुई भूलन पुरी आसक्त करी रहो प्रथम मैच वस्त्र ब्लास्टर ग्राम 300 का नगाव नेक्स्ट मैच हवा और बेहतरीन यहाँ पे गेंदबाजी डॉट के साथ बेहतरीन गेंदबाजी कप्तान के द्वारा भरत कश्यप के द्वारा वस्त्र एकादश के लिए नेक्स्ट मैच हवा हीरापुर बनाम मोहन कौन आ गया सेकंड में सेकंड कौन हो गया टाइम बच गया एक सेकंड नहीं हेलो तो निश्चित रूप से दोनों टीम के बीच में जबरदस्त मुकाबला देखिए कैलाश भाई ऑफसाइड का जहां तक सवाल है और बहुत ही बढ़िया तरीके से दीवार की तरह फील्डिंग कर रहे हैं इस बार उठाकर मारा बॉल सीमा रेखा के बाहर 6 रन
और बेहतरीन इस बार गेंद को ग्लांस कर दिया है, सीधे दर्शक बनते रहे फील्डर, छह रनों के लिए। और इसी छह रनों के साथ खाता खुलता हुआ वाकड़ी छत्तीसगढ़ का खुद का पाया का निश्चित तौर पर, और बॉल को निश्चित तौर पर पाया और निश्चित तौर पर भेजा है, निश्चित तौर पर दर्शक बनते रहे फील्डर। और बेहतरीन यहाँ पे एक छक्के जड़कर निश्चित तौर पर खुद को साबित कर दिया है, बेहतरीन खिलाड़ी का परिचय देते हुए। और जाके सीधे डंडे में और सीधे क्लीन बोल्ड पाया, बिल्कुल अपने टीम के लिए निश्चित तौर पर ये बड़ी गलती निश्चित तौर पर खराब यहाँ पे शॉर्ट सिलेक्शन और सीधे जाके बॉल डंडे पे और ओवर का समाप्ति। छह रनों पे यहाँ पे अपने पहला झटका देते हुए बस्तर एकादश भरत कश्यप कप्तान के द्वारा लाखों से अपने आप को निश्चित तौर पर पाया। अब वन डाउन पे डिफेंस, इसी जगह में विराट कोहली खेलते हैं, उसी जगह में डिफेंस का आगमन होता हुआ निश्चित तौर पर। अमन कश्यप आए हैं अपने गेंदबाज में, पहली बार बल्ले के साथ उतना खास योगदान दे नहीं पाए, इस बार गेंदबाजी में योगदान देना पड़ेगा अमन कश्यप को निश्चित तौर पर। और सादा करेंगे बल्लेबाज नीलेश, ये भी अच्छे बल्लेबाज बाजी करते हैं नीलेश, और थोड़ी सी यहाँ पे गेप देख रहे हैं कहाँ से बॉल को निकाला जाए। अमन दीपेश राकेश मंडा भी स्ट्राइक में, राकेश मंडा भी और राकेश मंडा भी तो यहाँ पे स्वागत किया है अमन भाई को चौके के साथ, ये बेहतरीन चौका। जी बिल्कुल वेल डन निश्चित तौर पर। राकेश मंडा भी, और इसी के नाम से जाने जाते हैं राकेश मंडा भी, और एक बार जम जाते हैं तो इनको रोकना बिल्कुल मुश्किल होगा। बस्तर एकादश को निश्चित रूप से 160 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए 72 गेंदों पर। और निश्चित तौर पर ये चार रन कोई फील्डर मौजूद नहीं, और बेहतरीन गेंद का इस्तेमाल करते हुए राकेश मंडा भी, और निश्चित तौर पर फिर से एक बार चार रन, और इसी चार रनों के साथ स्कोर क्या पहुंची है 18 रन एक विकेट के नुकसान से दूसरी ओवर अमन कश्यप के द्वारा जारी। बेहतरीन बल्लेबाजी राकेश मंडा भी के द्वारा। चले अमन भाई थोड़ी सी बात लगाना पड़ेगा, और इस बार देखा जाए नीचे फील्डर निश्चित तौर पर 6 रन, बिल्कुल फील्डर के सर के ऊपर से गेंद को निकाल दिया है ये 60 मीटर का गगनचुंबी सुल्तानी छक्का। और क्या कहेंगे मेरे साथी कमेंटेटर इस छक्के के बारे में? निश्चित रूप से यह इसी प्रकार की बल्लेबाजी की जरूरत है, 160 रनों की जरूरत है, बहुत बड़ा विशाल स्कोर, और उस स्कोर के सामने इसी प्रकार की बल्लेबाजी की जरूरत है माकड़ी वालों को। केवल एक रन से ही अपने अपने छोर में बदल चुके हैं राकेश बट्टा भी और डिफेंस, निश्चित तौर पर अब सामना करेंगे डिफेंस। देखा जाए छोटे कद का बल्लेबाज क्या अपने टीम के लिए कितने योगदान देते हैं। चले अपन कश्यप थोड़ी सी एयरकर गेंद, बेहतरीन इस बार देखा परखा और एक रन के लिए सीधे निकल चुके हैं, और एक रनों के साथ स्कोर जा पहुंची है और ओवर का समाप्ति 26 रन। दो ओवर के बड़ी समाप्ति पर 20 रन एक विकेट के नुकसान पे 3 माकड़ी छत्तीसगढ़।
हरकल का पहला मैच होगा हीरापुर बनाम बोहोड, नेक्स्ट मैच होगा बस्तर ब्लास्टर बनाम 300 का लगाओ। और 160 रन का यहाँ पे पीछा करते हुए निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ बाकड़ी। और न्यू गेंद बाज का यहाँ पे फिर से एक बार आगमन होता हुआ, बोला स्नेम भाई कृष्णा जी बिल्कुल बंसीधारी कृष्णा। चले राइट अब ओवर द विकेट सामने दीपेश, और यहाँ पे कट करना चाहते थे लेकिन इस बार बल्ले के साथ शायद संपर्क हुआ था लेकिन विकेट कीपर थोड़ी सी गलती किया, रन लेना चाहते थे लेकिन नकार दिया है राकेश मड्डा भी निश्चित पर और सही बेहतरीन यहाँ पे डिसीजन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। और फिर से मेरे साथी कमेंटेटर को फिर से स्वागत करूंगा इस खेल का आंखों देखा हाथ सुनने के लिए आगे का धन्यवाद कैलाश भाई। तो इस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं और दोनों बैट्समैन का जहां तक सवाल है आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं। 160 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। दर्शकों ने पूरे अपने अपने जगह से कोई बैठ करके कोई खड़े होकर के आनंदित हुए मनोरंजन करते हुए और बहुत ही बढ़िया तरीके से दोनों बल्लेबाज इस समय फिर से रणनीति के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। 160 रनों की जरूरत है तीसरे ओवर प्रगति पर। दाएं हाथ से ओवर द विकेट 30 रन टोटल स्कोर तीसरे ओवर प्रगति पर। दाएं हाथ से ओवर द विकेट फिर से तैयार गेंद को सामना करने के लिए खूबसूरती के साथ निकाल दिया दो फील्डर के बीच में से बॉल को निकाल दिया 4 रनों के लिए। इसी प्रकार की बल्लेबाजी की जरूरत है बाकी सीजी वालों को इस मैच को जीतने के लिए। 72 गेंद और 160 रनों की जरूरत मैच को जीतने के लिए। पहला विकेट के नुकसान हो चुका है। तीसरा ओवर प्रगति पर। अंपायरों से हम अनुरोध करेंगे अब अंधेरा अब नजदीक आता हुआ मैच को बिल्कुल निश्चित रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश करना। और इसके साथ ही आउट, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से कहना चाहिए। और इससे तरीके से माकड़ी वालों को ये दूसरा झटका लगता हुआ मोहन के इस पवित्र धरती से कहना चाहिए चारों तरफ दर्शक और आनंद लेते हुए मनोरंजन करते हुए चारों तरफ बहुत ही बढ़िया तरीके से कहना चाहिए माकड़ी वालों को ये रहा दूसरा झटका। पहला विकेट गिरा था माकड़ी वालों का उस समय था 6 रन और दूसरा झटका अभी लगा 34 के स्कोर पर। तो बहुत बड़ा नुकसान कहना चाहिए इस मैदान पर माकड़ी वालों को। और माकड़ी वालों ने क्या करते हैं 160 रनों की जरूरत है 72 गेंदों पर। बहुत ही बढ़िया तरीके से 98 नंबर जर्सी में हम नाम जानना चाहेंगे नए बैट्समैन का नाम शंकर पंकज माफ कीजिएगा पंकज हैं। और इस समय फिर से तैयारी करते हुए विकेट गिरने के बाद आए यहां पर फील्डिंग के जो देखें कीपर के अलावा दो स्लिप माफ कीजिएगा जी हां 3 स्लिप हैं। पहला स्लिप के स्थान पर एक खिलाड़ी लेग स्लिप के क्षेत्र में भी एक खिलाड़ी मौजूद है। दीवार की तरफ फील्डिंग ऑफसाइड मैदान और बहुत ही बढ़िया तरीके से उठाकर मारा बहुत ही बढ़िया तरीके से 4 रनों के लिए। इसी प्रकार की बल्लेबाजी की जरूरत है माकड़ी वालों को। 160 रन बनाना होगा 72 गेंदों पर। माकड़ी नीड 160 रन्स टू इन फ्रॉम 72 बॉल्स और गेम को खेलना चाहते थे आज के साथ ही आउट। बहुत ही बढ़िया तरीके से लंबा चाहते थे और पूरी तरह बीट होते हुए और मिडिल स्टाफ को जाकर लगे और ओवर की भी समाप्ति। तो इस तरीके से 3 ओवर की समाप्ति और टोटल स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बड़ा संकट की बादल मंडराता हुआ माकड़ी टीम के ऊपर। कैलाश भाई निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा स्कोर है बहुत बड़ा विशाल पहाड़ जैसे रन खड़ा कर दिए हैं बस्तर 11 वालों ने और बड़ा स्कोर के कारण निश्चित रूप से लगातार विकेट गिरते जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप
जी बिल्कुल, थोड़ी सी यहाँ पे संकट का घड़ी, काले बादल बंटा निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लड़खड़ाते हुए निश्चित तौर पर, और केवल कुल स्कोर 38 और लॉस ऑफ 3 विकेट। यहाँ पे तीसरा ओवर परिसमाप्ति, चौथी ओवर लेके आए हैं इस बार गेंदबाजी के मोर्चे में। बोलस ने भाई राकेश बंडिया भी इस बार बॉल को हुक कर दिया है सीधे दर्शक दीर्घा में, दर्शक बनते रहे फील्डर चार रनों के लिए निश्चित तौर पर। दक्ष यहाँ पे गेंदबाजी के मोर्चे में और पहला यहाँ पे टूर्नामेंट खेल रहे बिल्कुल दक्ष वस्त्र एकादश के लिए, और राकेश बड्डा भी इस बार थोड़ी सी रूम मिला बल्लेबाज है जब तक फील्डिंग करेंगे, बड़ी चहलकदमी के साथ सिंगल बटोरे है और इसी सिंगल के साथ स्कोर का पहुंची है बागड़ी का 43 लॉस ऑफ 3 विकेट। चौथी ओवर दक्ष के द्वारा जारी, कहीं ना कहीं थोड़ी सी अंकुश लगाना पड़ेगा दक्ष को, और इस बार बेहतरीन इस बार कट करते हुए निश्चित ओवर पॉइंट की दिशा में आ रहे करारा शॉट चार रनों के लिए, और इसी चार रनों के साथ स्कोर काफी से तेजी से लगी है 47 लॉस ऑफ 3 विकेट फॉर अवर रेडी। और सम्मान देना चाहते थे लेकिन थोड़ी सी यहां पे बाल बाल बचे हैं निश्चित तौर पर, और कहीं ना कहीं अगर बैट में लगते तो निश्चित तौर पर खतरे में फंस जाते उवरेस निश्चित तौर पर, सीधे विकेट कीपर के हाथ में। निश्चित रूप से फ्रंटियरों का जहां तक सवाल है बिल्कुल बहुत ही बढ़िया था इस तरीके से दायित्व निभाते हुए। जी बिल्कुल, और इस बार सेकेंड स्लिप और पहले स्लिप के पीछे बीच से गेंद को बड़ी सलाखी शॉट खेले उग्रेश और सीधे सीधा एक आते बाहर चार रनों के लिए। इसी प्रकार की बल्लेबाजी की जरूरत है कैलाश भाई, दोनों बैट्समैनों को 160 रनों की बहुत बड़ा विशाल स्कोर है और उसके सामने बहुत ही बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए ऑफ साइड में पूरे दीवार की तरह फील्डिंग कर रहे हैं बस्तर वालों ने, लेकिन बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी दोनों बैट्समैनों की तरफ। निश्चित तौर पर उसी को तो कहते हैं भाई छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, इसी को कहते हैं। और यहाँ पे फिर से मिड विकेट की दिशा में घुमाना चाहते थे लेकिन ओवर का समाप्ति कोई रन नहीं, और चार ओवर की परिसमाप्ति पर कुल स्कोर 51 रन लॉस ऑफ 3 विकेट माकड़ी। निश्चित तो भापरे ओडिया सो बुट्टू बढ़िया, हाँ ओडिया आपने बढ़िया थारी बढ़िया, निश्चित तो भापरे बहुत तो सुंदर भापरे, हाँ आनंद रो खेलो इठारे चारी की उबर जोड़ मत भरे। और वॉलेंटियर भाई बन को अनुरोध बनी निवेदन बढ़िया रो चतुर पर से बोल जोगे देवा पाई आप बने रहते ही की थान तू फटाफट भाई बात क्रिकेट खेलने का लाए बच्चों को टेक खून बच्चों को टेक सेटिंग करो उन खेलुआ भाई बात क्रिकेट खेलने का लाए बच्चों को टेक खून बच्चों को टेक सेटिंग करो उन खेलुआ और जीतों दिले इंग्लिश बंद पीऊआ और हारों दिले देसी बंद के पीऊन भाती सिगरेट के खान घर भीतरे ढूल मुंदे हुआ। धन्यवाद। और इस बार लेग स्टंप से काफी बार निश्चित तौर पर वाइड करा दे जाएगी हिमराज भाई के द्वारा, इसी वाइड के साथ स्कोर का पहुंची है निश्चित तौर पर 52 रन लॉस ऑफ 3 विकेट, पांचवा ओवर बिल्कुल जारी वस्त्र एकादश के महारथी के द्वारा। कृष्णा जी बिल्कुल, और इस बार थोड़ी सी जड़ में गेंद राकेश बंडा भी उठा के खेलना चाहते थे लेकिन नाकाम रहे, और जी नो बॉल जी देखिए ये बड़ी नुकसान हो सकता है निश्चित तौर पर, नो बॉल थ्री हिट का चांस कृष्णा दे चुके राकेश बंडा भी को और धाकर बल्लेबाज को ये चांस, क्या राकेश बंडा भी इस नो बॉल का फायदा उठाने में क्या सक्षम होंगे अपनी टीम के लिए देखा जाए, ये बंदा क्या आपसी करना चाहेंगे नो बॉल को देखा जाए चले। और इस बार देखा जाए इनके फील्डर बिल्कुल तैनात है और बेहतरीन दाफी केवल एक रन से ही फुर्तीले दिखाए हैं राकेश बंडा भी और उमरेश निश्चित तौर पर, और इसी एक रनों के साथ स्कोर जा पहुंची है
54 रन लॉस ऑफ 3 विकेट, पांचवा ओवर बिल्कुल यहां पे कृष्णा के द्वारा जारी। चलिए कृष्णा राइट अप ओवर द विकेट और यहां पे बॉल को यहां पे एक रन आउट का चांस बनाना चाहते थे लेकिन थोड़ी सी पीछे रह गए, इसके चलते अपने पूरे थ्रो से गेंद को दौड़ के यहाँ पे फील्डिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत होता है फील्डर के लिए और केवल एक रन से ही संतुष्ट इसी एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है डबल 5 रन यानी कि 55 रन। और यहाँ पे पहाड़ के तरह रन यहाँ पे का पीछा करते हुए छत्तीसगढ़ माकड़ी और बेहतरीन इस बार यार कर गया, इस बार फील्डर तैनात है और तब तक फील्डिंग करेंगे राकेश मंडा भी केवल एक रन से संतुष्ट दिखाए अपने टीम के लिए और इसी एक रनों के साथ स्कोर जा पहुंची है छत्तीसगढ़ माकड़ी का 56 रन 3 विकेट के नुकसान पे, पांचवा ओवर विकेट के द्वारा बेहतरीन जारी। जो जीता वही सिकंदर है बिल्कुल अपने टीम के लिए और फिर से वन सेकेंड यार करके इस बार देखा था कितने रन बटोरते हैं, केवल फिर से सिंगल रन से संतुष्टि का अगला बॉल वन सेकेंड। क्या कहूं वन सेकेंड उसी बल्लेबाज के ऊपर फिर से एक चांस पानी फेरता हुआ एक बार फिर से राकेश मंडा भी ये मेरे का क्या सही दस या तेरे में कामयाब होंगे। देखिए मेरे बड़े भाई निश्चित रूप से कहना चाहिए बहुत ही बढ़िया तरीके से नो बॉल देने के बाद थोड़ा सा अंपायर के ऊपर निराश भी हुए थे और इसके साथ ही ये नो बॉल का इशारा था और इसके साथ ही रन आउट की मौका भी था लेकिन ये मौका बेकार जाता हुआ। दो रन से संतुष्ट दिखाए हैं और इसी दो रनों के साथ स्कोर जा पहुंची है 60 रन और केवल 100 रन से ही है बचे खुचे ओवर में और फिर से सामना करेंगे राकेश मंडा भी सामने गेंदबाज कृष्णा और इस बार आसमान के ऊपर उठाए देखा जाए फील्डर रोकने में क्या कामयाब लेकिन रोकने में असफल अरे गगनचुंबी सुल्तानी छक्का बेहतरीन सिक्सर लॉन्ग ऑन के ऊपर से बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां पर 6 नंबर जर्सी में अमान मौजूद थे लेकिन उनके पहुंच से काफी दूर निकल गए गगनचुंबी छक्का लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र माफ कीजिएगा लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में जी बिल्कुल और इसी 6 रनों के साथ तेजी से छलांग लगाता हुआ स्कोर बोर्ड में पांचवा ओवर बिल्कुल जारी और इसी तौर पर पांचवा ओवर जारी यानी कि लास्ट बॉल है शायद। चलिए इस बार कृष्णा और इस बार पल्ला कहीं और घुमाना चाहते थे और सीधे विकेट कीपर के हाथ में और 5 ओवर के परिसमाप्ति पर कुल स्कोर माकड़ी छत्तीसगढ़ का डबल 6 रन यानी कि 66 रन लॉस ऑफ 3 विकेट। निश्चित रूप से कहना चाहिए अब रोमांच की तरफ आगे बढ़ता हुआ निश्चित रूप से दर्शकों को देखने को मिलेगा एक रोमांच क्रिकेट। कमजोरी टीम नहीं है दोनों टीम बहुत ही बढ़िया तरीके से अभी भी मौका है घबराने या चिंता करने की कोई बात नहीं माकड़ी वालों को। जी बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय देखिए दोनों माफ कीजिएगा जो बस्तर 11 के खिलाड़ी हैं वो मंत्रणा कर रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया तरीके से अभी भी 7 ओवर का रोमांच बाकी है और समय अंधेरा धीरे धीरे नजदीक आता हुआ हम अनुरोध भी करेंगे जल्द से जल्द मैच को चलाने के लिए हमारे अंपायर भाइयों को। जी बिल्कुल सफाई को देखते हुए यहाँ पे जल्द से जल्द इसको जारी ही रखे और देखा जाए नीचे फील्डर है क्या रोक। जी बिल्कुल बेहतरीन कैच इस बार वापस उठे पहले ही गेंद में विकेट तगड़ा झटका बिल्कुल लगा है माकड़ी छत्तीसगढ़ को और टीम मेट विकेट में मनोज भाई तैनात थे और जिस विकेट के लिए तलाश रहे थे निश्चित तौर पर बिल्कुल अपने टीम के लिए बिल्कुल छोड़ी में डालती हुई डबल 6 रन निश्चित तौर पर 66 रन 6 विकेट के नुकसान पर
चार विकेट, माफ कीजिएगा, चार विकेट की नुकसान, 66 रन। प्रिया दर्शक बंधु आसंत गली प्रथम मैच हीरापुर बनाम मोहन, हीरापुर बनाम मोहन। नेक्स्ट मैच अब बस्तर ब्लास्टर बनाम 300 कंडागांव। हाँ ये एक में हवे, ये 11 टाइम नो में हवे, इधर कर दे नो। हाँ टाइम ठीक है, बात करो ओके। ये कौन है, बन कुमार सीवा ना, दूसरा आवर है ना, सीवा सागर फास्ट ओवर, फास्ट ओवर सीवा सागर अपने कोटे का पहली ओवर लेके फिर से अपने स्पेल को जारी रखते हुए। और इस बार थोड़ी सी आहा यहाँ पे देखने को मिला था, भावेश से यहाँ पे केवल सिंगल के रन बिल्कुल बटोर चुके हैं, सिंगल इसी सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंची है 67 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट या 4 विकेट सॉरी, 7 ओवर में छठवां ओवर बिल्कुल जारी। शिव सागर अब सामना करेंगे राकेश बड्डा भाई, और बेहतरीन बॉल को इस बार लॉन्ग ऑन के दिशा में निकाले हैं सामने अमन कश्यप है, और जब तक फील्डिंग करेंगे अमन कश्यप बड़ी तेजी के साथ फिर से सिंगल बटोरते हैं निश्चित तौर पर राकेश बड्डा भी, और यहाँ पे स्ट्राइक लेंगे भाविस, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन सर जडेजा के नाम से जाने जाते हैं भाविस। शिवसागर फिर से चले राउदा विकेट, इस बार बॉल को घुमाए हैं बिल्कुल देखा था फिल्टर थे यानी कि तैरात है, जब तक फील्डिंग करेंगे बड़ी से हल कदमी के साथ फिर से सिंगल, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी यहाँ पे रन गति को बढ़ाना पड़ेगा, अपने रफ्तार के पटरी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ी सी फंस चुकी है अपनी टीम कहीं ना कहीं मझी दरिया में नाव फंस चुकी है। शिवसागर अब सामना करेंगे राकेश बड्डा भी, और इस बार खींच के बल्ले में घुमाते हुए और सीधे स्टैंड में ये गगन चुभी चली न चली 6 रनों के लिए, और इसे 6 रनों के साथ स्कोर तक पहुंची है तेजी से 75 रन, 75 रन 4 विकेट के नुकसान पर, बहुत ही बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं जी बिल्कुल। फिर से तैयार राकेश, बहुत ही बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी करते हुए दाएं हाथ से फिर से गेंद को खेलना चाहते थे पूरी तरह फिट होते हुए, और गेंद वहीं पर लुढ़क गई जी बिल्कुल, और कोई मौका नहीं रन लेने के लिए जी बिल्कुल, और इन दोनों बल्लेबाज को यहाँ पे अंतिम तक यहाँ पे डटे रहना होगा, अगर अपने टीम को जीत दिलाना है तो कहीं ना कहीं संकट से उबरना होगा मेरे भाई। निश्चित रूप से 6 ओवर की समाप्ति, अभी भी 6 ओवर का रोमांच बाकी है कैलाश भाई, निश्चित रूप से कहना चाहिए करो या मरो का स्थिति है दोनों टीमों के लिए जी बिल्कुल, क्या कहेंगे दोनों टीम अभी निश्चित रूप से शक्तिशाली टीम है एक दूसरे के आमने सामने है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से नॉन बैटिंग आंट के क्या नाम है बैट्समैन का नाम राकेश बड्डा भी, और बहुत ही बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, और बस्तर वालों को 21 नंबर राकेश मंडावी को आउट करना होगा निश्चित तौर पर जीतने के लिए जी बिल्कुल, और बेहतरीन यहाँ पे राकेश मंडावी बिल्कुल अपने चट्टान की तरह अपने टीम के लिए डटे डटे बिल्कुल डटे हुए हैं, और मुश्किल परिस्थिति में सेना बन के खड़े रहना बिल्कुल अपने टीम के लिए बिल्कुल अनिवार्य है राकेश मंडावी। बहुत ही बढ़िया तरीके से 7 ओवर की समाप्ति, माफ कीजिएगा 6 ओवर की समाप्ति, अभी भी 6 ओवर का रोमांच बाकी है, 36 गेंदों का रोमांच अभी भी बाकी है, और 85 रनों की जरूरत है कैलाश भाई, देखिए 36 गेंदों पर 85 रनों की जरूरत बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी यहाँ पे 50-50 का चांस है मेरे अंदाज से। होका रास्ता हाँ वाइड यहाँ पे कॉल आता हुआ बाखत भाई के द्वारा, और इसके साथ यहाँ पे रनिंग के साथ टोटल 2 रन यहाँ पे निश्चित भावे आम दर्शक मैंने नाटक रो आयोजन कर प्रचार करने कहते फेरब कि मो सुख सफल
हाँ यही नाटक होने वाला है 13 तारीख को बा अपने मानो कर मनोरंजन सका से गुटी खेला थी निश्चित भाव से ही खेल को अपने माने जान तो खेल तो और इस बार जैसे ही गेंद मिला निश्चित तौर पर अपने रडार में गेंद को निकाले हैं 6 रनों के लिए ये 106 मीटर का लंबा छक्का है क्या कहेंगे आप बहुत बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी बेहतरीन बेहतरीन कहीं ना कहीं राकेश बड्डा भी को इस बार बिल्कुल कहीं ना कहीं थोड़ी सी संकट में भरत कश्यप निश्चित तौर पर बस्तर एकादश का कप्तान राकेश बड्डा की भी को यहाँ पे जाल में फंसाना होगा अगर जीत के और सेहरा बांधना है तो निश्चित रूप से कहना चाहिए मैक्सवेल की तरह बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर क्या करते हैं देखने वाली बात होगा और अभी मैच कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ है देखिए ऑफसाइड में दीवार की तरह फील्डिंग है दो स्लिप पहला स्लिप के स्थान पर एक खिलाड़ी दूसरा स्लिप के स्थान पर एक खिलाड़ी और शॉर्ट पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी दाएं हाथ से ओवर विकेट को सामना करने के लिए तैयार उठाकर मारा बॉल सी मारेगा के बाहर चेहरा जी जी बिल्कुल बैक टू बैक दो छक्का चढ़कर बिल्कुल अपने आप को स्वाबित कर दिया है और इसके साथ ही राकेश बंडा भी का हाफ सेंचुरी जी बिल्कुल वेल डन राकेश बंडा भी वेल डन और जहां तक स्कोर का अगर बात करें 89 रन बेहतरीन यहां पे थोड़ी थी यहां पे संकट में मुसीबत में वस्त्र एकादश वाइड बॉल बिल्कुल वाइड बाखन भाई के द्वारा ये कॉल इसे वाइड के साथ स्कोर ड्रॉप हो गई है 90 रन दोनों ही छत्तीसगढ़ की टीम एक दूसरे के आमने सामने खेल रहे हैं 160 रनों की जरूरत है 72 गेंदों पे इस मैच को जीतने के लिए दाएं हाथ से ओवर विकेट पीछे तैयार गेंद को सामना करने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से बॉल सीमा रेखा के नजदीक वहां पर फील्डर मौजूद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते तब तक 1 रन का मौका दोनों बैट्समैनों के पास बहुत ही बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं क्या करते हैं 4 विकेट के नुकसान टोटल स्कोर 91 रन अभी भी जीतने के लिए 69 रनों की जरूरत है और इस बार 3 गज के दायरे में गेंद को झपट्टा पा रहे हैं यहां पे स्क्वायर लेग अंपायर की दिशा में रन का कोई गुंजाइश नहीं इस बार अच्छी वापसी 2 छक्के खाने के बाद बेहतरीन वापसी किया है रस तरीका दस का गेंदबाजों ने बेहतरीन डॉट बॉल लगातार 2 गेंदों में 2 डॉट बॉल निकाल चुके हैं कहीं ना कहीं भावे से यहां पे समझ रहे पूरी तरीके से रहा काम निश्चित तौर पर दोनों टीम के लिए बेहतरीन मुकाबला और कहीं ना कहीं 50-50 का चांस है दोनों टीम के लिए और बेहतरीन हुक कर दिया है गेंद को इस बार गोली के रफ्तार से मेट्रो ट्रेन के अंदर से लंबी दौड़ और जब तक फील्डिंग करेंगे बड़ी चहलकदमी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा 2 रन और इसी 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंची है 93 रन और ओवर का समाप्ति 7 ओवर का प्ले 93 रन 7 ओवर कंप्लीट निश्चित तौर पर भाई बात आप मन जो मनोरंजन का जो खेल को टक रखा गया नीचे निश्चित भाव ने उन खेल में गला जाऊन भाती तुम्हें जीतू गला सका बा तुम जो किस्मत ने आते बोले बिल्कुल जीता से निश्चित तौर पर अच्छो फेवरेट खेल बल्ले गला चले खिड़खिड़िया खेल बा निश्चित भाव ने मनोरंजन कर तो काजे और फिर से स्वागत किया है 6 रनों के साथ राकेश बंडा भी वह राकेश वहां छा गए गुरु बिल्कुल और इसे 6 रनों के साथ स्कोर जा पहुंची है 99 रन 8वां ओवर बिल्कुल थोड़ी सी डाकों से यहां पे अपने स्पेल को लेके निश्चित तौर पर भरत कश्यप गेंद को घुमाए है इस बार मिड विकेट का खिलाड़ी तैरा है जब तक फील्डिंग करेंगे बड़ी चहलकदमी के साथ केवल सिंगल से अपने अपने जगह में बिल्कुल
लगाता हुआ मार चार रन ले ले ये दे तो मोमेंट हां पानी नहीं है ना दाढ़ी साफ सरी से आवला देश नहीं कहां कहां हो आठवां ओवर प्रगति पर एलोडर कहां है भाई पूरी कर दिया हां हां खाली है अच्छा रेडी हो क्या आ रहा दादर भाई हमर खाल प्लेटर में निबन आओ जो कैसे हां 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 जो गुरु भाई हां को बोलना ना बहुत ही बढ़िया तरीके से दाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंद को सामना करने के लिए और खूबसूरती के साथ निकाल दिया बाउंड्री लाइन के क्षेत्र में वहां पर फील्डर मौजूद एक रन का मौका दोनों बैट्समैनों के पास अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों टीम अभी भी कोशिश कर रहे हैं इस मैच को जीतने के लिए राकेश बहुत ही बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं बाएं माफी चाहते दाएं हाथ के बैट्समैन है पूरी तरह तूफानी पारी खेलते हुए बल्ला उनका चमकता हुआ हमारे मोहन की इस पवित्र धरती पर जबरदस्त मुकाबला दाएं हाथ से ओवर द विकेट फिर से तैयार गेंद को सामना करने के लिए और गेंद को उठाकर मारा बहुत ही बढ़िया तरीके से बॉल सीमा रेखा के बाहर निकल गई चैरन तालियां के साथ शाबाशी देते हुए राकेश को माकड़ी के पूरे खिलाड़ी तालियां के साथ शाबाशी देते हुए धन्यवाद देते हुए कहना चाहूंगा बहुत ही बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 107 रन टोटल स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर फिर से तैयार गेंद को खेलने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से स्क्वायर कट कर दिया है बेहतरीन तरीके से और एक रन का मौका दोनों बैट्समैनों के साथ और इस एक रन के साथ ही टोटल स्कोर 108 रन अब जीतने के लिए 8 ओवर की समाप्ति अब 4 गेंदों का रोमांच बाकी है माफ कीजिएगा 4 ओवर का जो रोमांच है 52 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए देखिए कैलाश भाई साहब इससे ये डीओजी साहब मैदान के अंदर प्रवेश करते हुआ आनंद लेते हुए ये खिलाड़ियों के साथ बस्तर के खिलाड़ियों के साथ डीओजी साहब निश्चित रूप से मनोरंजन में ये हमारे वॉलंटियर भाइयों को मैं अनुरोध करूंगा ए डीओजी साहब को बाहर करना चाहिए हमारे वॉलंटियर भाइयों को मैं अनुरोध कर रहा हूं हमारे साथ मेरे कमेंटेटर भाई साहब कैलाश भाई साहब यहां पर नाश्ता जो ले रहे हैं धन्यवाद देना चाहूंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी भी 4 गेंदों 4 ओवर का रोमांच बाकी है 24 गेंदों का रोमांच और क्या करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से ये वॉलंटियर भाई अभी तक नहीं सुने इस समय डीओजी साहब मैदान के अंदर फिर से गेंद को खेलना चाहते थे और बहुत ही बढ़िया तरीके से खेलना चाहते थे पूरी तरह फिट होते हुए और बॉल सीधे कीपर के ग्लव्स में और डॉट बॉल मिलता हुआ बस्तर 11 टीम को भारत इस समय बॉलिंग का भार संभाले हुए हैं निश्चित रूप से दाएं हाथ से ओवर द विकेट ये बहुत ही बढ़िया बॉल और सीधे ये वॉलंटियर भाई अभी तक हमारे आवाज को नहीं सुनते हुए जी हाँ अब मैदान के तरफ थोड़ा सा रुकना पड़ेगा मैच को हमारे अंपायर भाइयों को और ये नाश्ता अभी भी बाकी है हमारे कैलाश भाई निश्चित रूप से फिर से तैयार और गेंद को उठाकर मारा बॉल सीमा रेखा के बाहर चैरन बहुत ही बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी करते हुए कैलाश 50 रन से भी ज्यादा बना कर खेल रहे हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से और एक खूबसूरत मुकाबला मांड की पवित्र धरती माँ दुर्गा स्टेडियम लंगोन के क्षेत्र में खिलाड़ी लंगोन के क्षेत्र में अमन फील्डिंग कर रहे हैं एक बहुत ही बड़ा मुकाबला राकेश की तरफ से दाएं हाथ से ओवर द विकेट फिर से तैयार गेंद को सामना करने के लिए और बहुत ही बढ़िया तरीके से खेल दिया 4 रनों के लिए ये 9वां ओवर प्रगति पर 118 रन 4 विकेट के नुकसान पर बिल्कुल कहना चाहिए
मैक्सवेल के तरह खेलते हुए राकेश ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से आगे का आंखों देखा हार सुनाने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर कैलाश। हेलो धन्यवाद साथी कमेंटेटर। और इस बार भी रडार में गेंद और सीधे नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथ में और दर्शक बनते रहे फील्डर छह रनों के लिए और इसी छह रनों के साथ स्कोर जा पहुंची है निश्चित तौर पर 124 रन। चार विकेट के नुकसान पे थोड़ी सी चिंतित में चिंतित का रेखा यहाँ पे बात है निश्चित तौर पर भरत कश्यप के द्वारा और यहाँ पे खराब गेंदबाजी निश्चित तौर पर कप्तान के द्वारा कहीं ना कहीं आक्रमक फेवर में यहाँ पे राकेश मड्डा भी और थोड़ी सी यहाँ पे देखा जाए कितने रन बटोरते हैं राकेश मड्डा भी केवल एक रन से ही फुर्तीले दिखाए हैं और इसी एक रनों के साथ 125 रन और ओवर का समाप्ति जी बिल्कुल 9 ओवर के परिसमाप्ति पर 125 रन चार विकेट के नुकसान थे। निश्चित रूप से कैलाश भाई जहां तक राकेश का सवाल है उन्हें आउट करने की जरूरत है बस्तर वालों को जी बिल्कुल लेकिन बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं राकेश जी बिल्कुल गजब का प्रदर्शन रोमांच कर दिया दर्शकों को झूमने का अवसर दिया दर्शकों को बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी बिल्कुल यहाँ पे मैदान के चारों तरफ यहाँ पे रनों का अंबार लगाते हुए राकेश मड्डा भी तुझे क्या कहना बिल्कुल अपने टीम के लिए बिल्कुल एक समय लग रही थी बिल्कुल अपनी टीम 100 रन के अंदर यहाँ पे सिमट जाएगी लेकिन राकेश मड्डा भी इतने गेर बदला है और देखने लायक जी बिल्कुल अब चट्टान की तरह डटे हुए है 18 गेंदों में 35 रन चाहिए जीतने के लिए 18 गेंदों में 35। शिव सागर अपने कोटे का दूसरी ओवर लेके यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे वाइड बॉल का मांग कर रहे थे लेकिन कोई यहाँ पे रिएक्शन नहीं वाइड बॉल का कोई सिग्नल नहीं यमराज भाई के द्वारा। शिव सागर अपने दूसरी गेंद फेंकने के लिए बिल्कुल राउंड द विकेट और इस बार छपट्टा लगाए थे लेकिन लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी विकेट का खिलाड़ी को जब तक फील्डिंग करेंगे केवल सिंगल से ही अपने अपने छोर पे और इसी सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंची है 126 रन चार विकेट के नुकसान पे 10वां ओवर बिल्कुल जारी राकेश मड्डा भी 85 रन बनाकर अभी भी नाबाद है अपनी टीम के लिए बिल्कुल और उसका साथ दे रहे हैं साथ निभा रहे हैं बिल्कुल भावेश निश्चित तौर पर अब सामना करेंगे भावेश अपने तीसरी गेंद को लेके यहाँ पे शिव सागर काफी लंबा रन और आपके साथ राउंड द विकेट करने के लिए फैसला और यहाँ पे पल्ला चलाए थे लेकिन थोड़ी सी बाल बाल बचे और सीधे विकेट कीपर के हाथ में बेहतरीन इस बार अच्छे आपसी क्या है बिल्कुल शिव सागर कहीं ना कहीं इसी तरीका का गेंदबाजी करनी पड़ेगी निश्चित तौर पर शिव सागर को अगर अपने टीम को वापसी करना चाहते हैं तो बेहतरीन यहाँ पे कमाल का बल्लेबाजी और यहाँ पे विकेट कीपर के ऊपर से गेंद को निकालना चाहते थे लेकिन बेहतरीन डॉट और सीधे विकेट कीपर के हाथ में निश्चित तौर पर कपाल का ये गेंदबाजी कहीं ना कहीं इसी तरीका का गेंदबाजी करनी पड़ेगी स्टंप टू स्टंप यहाँ पे डॉट निकालनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं साझेदारी को तोड़नी पड़ेगी पहले और 34 रन चाहिए बचे खुचे ओवर और गेंद पे और बेहतरीन डॉट छपट्टा मारे हैं पहले सिर्फ के खिलाड़ी रन का कोई गुंजाइश नहीं और इसी तरीका का यहां पे गेंदबाजी करने पड़ेगी इस सेक्टर में फंस चुकी है एक बार वस्त्र एकादश और शायद वो हीट विकेट है शायद हीट विकेट काफी निराश रहेंगे निश्चित तौर पर भावेश बहुत ही बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं राकेश का जहां तक सवाल है देखने वाली बात होगा बहुत ही बढ़िया तरीके से 72 गेंदों पर 60 रनों की जरूरत थी और उस लक्ष्य के सामने निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं राकेश का जहां तक सवाल है बैट्समैन का पदार्पण बीच मैदान में
जो बैट्समैन बैट्समैन का नाम जानना चाहेंगे हम जी बिल्कुल क्या हुआ इसका ओहो शायद कुछ तकलीफ नहीं है फिर से दोबारा वापस बुलाया गया है अपर बंधुओं के द्वारा निश्चित रूप से दोनों अपर बिल्कुल अनुभवी अपर है बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर खेल को आगे बढ़ाते हुए और बहुत ही बढ़िया तरीके से फिर से वापस बुलाया गया है बैट्समैन को जी बिल्कुल और बिल्कुल सुरक्षित है यहाँ पे भावेश निश्चित रूप से कहना चाहिए अब फिर से तैयारी में ही समय जी बिल्कुल यहाँ पे शिव सागर यहाँ पे गेंदबाजी का दायित्व अच्छे तरीके से निभाते हुए अपने टीम के लिए कहीं ना कहीं भावेश फिर से सामना करेंगे शिव सागर का गेंद को चले शिव सागर राउंड द विकेट और यहाँ पे बल्ला कहीं और घुमाया घुमाना चाहते थे लेकिन इस बार सीधे विकेट कीपर के हाथ में वापस इस बार जाएंगे निश्चित तौर पर आउट आए आउट होकर वापस सीधे वापस 126 का है और जहां तक अगर बात करें 126 रन 126 रन निश्चित तौर पर माकड़ी छत्तीसगढ़ का 12 गेंदों में 34 रन चाहिए जीतने के लिए छत्तीसगढ़ माकड़ी को कैलाश भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से कहना चाहिए 12 गेंदों पर 34 रनों की जरूरत है बहुत ही बेहतरीन तरीके से कहना चाहिए जी बिल्कुल इस बार बिल्कुल ये खेल रोमांच की ओर अग्रसर होता हुआ असंभव नहीं है कैलाश भाई निश्चित रूप से कहना चाहिए 12 गेंदों पर 34 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए जी बिल्कुल अभी भी हो सकता है और इसी को तो कहते हैं भाई जब तक क्रिकेट में अंतिम गेंद ना पड़ी हो इसका भविष्य आकलन करना बिल्कुल मूर्खता है अभी भी जीत सकते हैं निश्चित तौर पर दोनों टीम 50-50 चांस 12 गेंदों में 34 रन 12 गेंदों में 34 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए साफ रहे खूंखार बल्लेबाज राकेश मंडा भी गेंदबाजी के मोर्चे में कप्तान भरत कश्यप चले भरत कश्यप और इस बार बेहतरीन डॉट के साथ शुरुआत किया है कैलाश कश्यप कैलाश भाई भरत कश्यप का जहां तक सवाल है बिल्कुल आग उगलने की कोशिश कर रहे हैं जी बिल्कुल बिल्कुल और कोशिश करना भी चाहिए अरे निश्चित तौर पर बेहतरीन एक हिसाब से बेहतरीन आपने किया है निश्चित रूप से कहना चाहिए अभी भी 11 गेंद है और जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए बिल्कुल 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 यार बिल्कुल कप्तान के छाती में बिल्कुल धड़क धड़क कर रहा होगा निश्चित तौर पर और इस बार पाले में गेंद और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को निकाल रहे हैं 6 रनों के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी और मिड विकेट के क्षेत्र में हालांकि फील्डर वहां पर मौजूद जरूर थे लेकिन उनके हाथ से पहुंच से काफी दूर निकल गई 6 रनों के लिए जी बिल्कुल बिल्कुल इसे 6 रनों के साथ तेजी से छलांग लगाता हुआ 132 रन 28 रन चाहिए केवल 28 रन और सामने है गेंदबाज भरत कश्यप खुद कप्तान और किस तरीके का गेंदबाज किया जाए ये सोच को लगाते हुए राकेश मंडा भी के लिए और वन सेकंड छेरन बेहतरीन छक्का पूरे उत्साह का महल माहौल कहना चाहिए दर्शकों के चेहरे पर उत्साह का लहर दौड़ता हुआ 97 रन राकेश 97 रन पर खेल रहे हैं कैलाश भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी जी बिल्कुल बिल्कुल यहाँ इतिहास रच पाएंगे या नहीं देखा जाए राकेश मंडा भी यहाँ पे अपने सेंचुरी के और अग्रसर पड़ते हुए राकेश मंडा भी 138 रन टोटल और इस बार यह गेंद यहाँ पे रन लेना चाहते थे लेकिन न्यू बैट्समैन ने यहाँ पे नकार दिया है 97 रन बनाकर खेल रहे हैं राकेश मंडा भी बहुत ही बढ़िया तरीके से क्या करेंगे बस्तर इलेवन वालों ने वो देखने वाली बात होगा जी बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने शतक और बिल्कुल
नजदीक में खड़े हैं, बिल्कुल दीवार की तरह सतह की ओर अग्रसर होते हुए राकेश मंडा भी। चलिए और बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, और यहां पे बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दिया राकेश मंडा भी को, और सीधे विकेट कीपर के हाथ में। निश्चित रूप से आग उगलने की कोशिश इधर गेंदबाज की तरफ से, और अभी संभवतः ये दो तीन गेंद निकल गई है। केवल सारी गेंद शेष है, निश्चित तौर पर भरत कश्यप का खुद कप्तान का फेर चले अंतिम गेंद को लेके, और इस बार चढ़ गेंद बिल्कुल, और 98 रन पे बिल्कुल अपने दस स्ट्राइक छोड़ते राकेश मंडा भी, और इसी सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंची है 139 रन। यानी कि 6 गेंद से कुरर भाई रन चाहिए 21 रन, 6 गेंदों में 21 रन। बहुत ही बढ़िया तरीके से कहना चाहिए कैलाश भाई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अभी भी मौका है बल्लेबाजी करने वाले जो माकड़ी की टीम है, लेकिन क्या करते हैं वो देखने वाली बात होगा। 6 गेंद और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत है। जी बिल्कुल, अरे दिल जलाओ कभी कभी तन्हाई भी यही कहती है, अरे दिल जलाओ कभी कभी तन्हाई भी यही कहती है, मगर कैसे जलाओ दिल अपना, मगर कैसे जलाओ दिल अपना, जिस जोन में मेरे स्कोरर भाई और मेरे सहयोगी भाई बने रहते हैं। निश्चित रूप से कहना चाहिए राकेश का जहां तक सवाल है, क्या कहते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। निश्चित रूप से कहना चाहिए बहुत ही बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी, आक्रामक बल्लेबाजी, और अभी भी 6 गेंद और 21 रनों की जरूरत है। कैलाश भाई निश्चित रूप से क्या कहेंगे आप, किस टीम से होगा ये तो कमजोर दिल वाला ना देखे मेरे साथी इस मैच को, हार आशंका हो सकती है बिल्कुल। निश्चित रूप से कहना चाहिए कमजोर दिल वाला जो दिल है उनको नहीं देखना चाहिए इस मैच को। जी बिल्कुल, वाइड 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 यहाँ पे, और इसे वाइड के साथ केवल 20 रन चाहिए, 6 गेंदों में 20 रन सामने है धाकर बल्लेबाज, 98 रन बनाकर अभी भी नाबाद। निश्चित रूप से टूर्नामेंट का सबसे मका बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, और बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन अपील किया था, लेकिन अपील का कोई यहाँ पे रिएक्शन नहीं माखन भाई के द्वारा। 5 गेंदों में 20 रन, एक आक्रामक गेंदबाज देखिए 6 नंबर जर्सी में, अमन गेंदबाजी का भार संभाल हुए राकेश के लिए। जी बिल्कुल, और बेहतरीन डॉट, बेहतरीन डॉट। निश्चित रूप से कहना चाहिए बस्तर 11 यहाँ पर आग उगलने की कोशिश, 4 गेंदों में 20 रन, 4 गेंदों पर 20 रन की जरूरत है, और यार कर गए इस बार बैक टू द बॉलर के लाइन निश्चित तौर पर, और सीधे अमन के हाथ में बेहतरीन गेंदबाजी कहना चाहिए, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन अमन की तरफ से, और पूरी तरह डटे हुए थे राकेश और उनको रोकने में कामयाबी हासिल हुई है। और इस बार देखा जाए ये बंदा निकाले इसी बार एक से बाहर 4 रनों के लिए, और इसके साथ ही सेंचुरी यहाँ पे इतिहास रच दिया है राकेश मंडा भी। वेल्डन वेल्डन राकेश मंडा भी, 2 बॉल में 16 गेंद 16, और इस बार गेंद को निकाले हैं 6 रनों के लिए, और केवल एक गेंद से रन चाहिए कितने भाई, 10 रन चाहिए एक गेंदों में। निश्चित रूप से कहना चाहिए कहीं वाइड हो ना जाए, नो बॉल ना हो जाए, नो बॉल भी ना हो जाए, निश्चित रूप से कहना चाहिए बहुत ही अब आखिरी गेंद, और इसके साथ ही बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कितने रनों से जीत लिया है भाई गुरार भाई बताएंगे, और सीधे यहाँ पे 6 रनों से बिल्कुल जीत चुके हैं बस्तर एकादश, सॉरी 10 रन, 10 रनों से यहाँ पे शिकस्त देते हुए माकड़ी छत्तीसगढ़ को, और यहाँ पे बेहतरीन पारी खेल के निश्चित नाबाद राकेश मंडा भी। वेल्डन वेल्डन राकेश मंडा भी, क्या कहे गजब का इस बल्लेबाज,
106 रन बनाकर नाबाद, लेकिन अंत में अपने टीम को जीत दिलाने में नाकाम रहे, लेकिन अंत तक यहां पे बिल्कुल जीरा बन के खड़े हो चुके थे, लेकिन निश्चित तौर पर जीता नहीं पाए। लेकिन बेहतरीन ये कमाल का बल्लेबाजी, जितने तारीफ किया जाए उतने कम। निश्चित रूप से कहना चाहिए, देखिए राकेश के चेहरे पर थोड़ा मुस्कान और आंखों पर निश्चित रूप से देखते हुए देखिए बिल्कुल निराश है, अपने टीम को जिता नहीं पाए, दुर्भाग्य की बात है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, तो देखिए कब से शॉट में कुछ गाना हो जाए, अगर गलत तो होगा तो माफ कीजिएगा दोस्तों। कभी हंसना है कभी राकेश मंडा भी, जी बिल्कुल, कभी हंसना है कृष्ण प्रसाद, कभी रोना है क्रिकेट सुख दुख का ही मैं यहाँ पे राकेश मंडा भी, कमन राकेश मंडा भी, और निश्चित तौर पर फिर से कुछ साथी कमेंटेटर को मैं वर्जित करना चाहूंगा अंत में, बात नहीं राकेश मंडा भी, कमन राकेश, राकेश मंडा भी, मैं आपका कमन राकेश कमन, ताली होता है दोस्तों, ताली।